जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। सभी के सभी काफ़ी मस्त हैं और उम्मीद है कि दिवाली आप लोगों ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से मनाई होगी। और आज भाई दूज है, तो भाई दूज की जो है वो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और आ रहे छठ के लिए भी मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार हमारे और हमारे चैनल की तरफ से। बहुत अच्छे सभी लाइव हैं, गीतांजलि, नरेंद्र, संजना, घोस्ट ऑफ एस जी एस एफ, लकी, अभी, नीतू कुमारी, छोटा भीम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इंटरेस्टिंग की बात अगर हम करें तो क्यों इतनी इंटरेस्टिंग होगी, रीज़न है क्योंकि आज के क्लास में हम जो है इलेक्शन के बारे में कंप्लीट जानकारी पढ़ेंगे। जैसा कि मैसेज में आप लोगों को मैंने बताया था कि इलेक्शन कौन जीतता है कौन हारता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है तो ये बात कि इलेक्शन जीता कैसे जाता है और इलेक्शन हारा कैसे जाता है। ठीक है, इलेक्शन में कुछ वोट अगर मान लीजिए इनवैलिड हो जाते हैं, कुछ वोट जो हैं अगर किसी तरीके से लोग वोट नहीं कर पाते हैं, फिर भी विनर जीता है लूज़र जीतता है, इसके ऊपर जितने भी बेहतरीन प्रश्न बन सकते हैं उन सभी सवालों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। साथ में कुछ मिसलेनियस के भी प्रश्न होंगे, जैसे ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट का कंसेप्ट हो गया, मार्क्स के कंसेप्ट हो गए, वेन डायग्राम के कंसेप्ट हो गए, तो इन सभी कंसेप्ट को आज की वीडियो में हम जो है पढ़ने वाले हैं और साथ में इनके सभी शॉर्ट अप्रोचेस भी हम जानेंगे। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। सर, सीजल का फॉर्म कब तक आएगा, प्लीज़ टेल। महेश कुमार, सीजल का फॉर्म जो है वो मोदी जी के ऑफिस से निकल चुका है नोटिफिकेशन, बस जल्दी पहुंचेगा आप लोगों के पास। ठीक है भाई, इंग्लिश की क्लासेस मंडे से होंगी, मंडे से मेरे भाई। ठीक है, सुपर मैथ टीचर फॉर मी, मैंने आपसे ज्योमेट्री पढ़कर मज़ा आ गया, गजब सर, आई एम फ्रॉम बिहार। बहुत अच्छी बात है समीर जी, एकदम हमको जैसे बिहार से हैं तो थोड़ा सा भोजपुरी समझते होंगे, तो चलिए भोजपुरी में एक बात बोलते हैं। हमारा पूरा यकीन बा कि रुआ खूब मजा उठाओ तवानी ज्योमेट्री यानी ज्यामिति के वीडियो के, ऐसे ही धमाकेदार वीडियो और मिलत रही, बढ़िया से मन लगा के पढ़ाई करी भाई। ठीक बा, चलो तो अब जो है हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। साथ में आप लोगों को आरजी विक्रमजीत और एप्लीकेशन पे चल रहे बैचेस के ऑफर के बारे में ही बता दे, ये ऑफर सिर्फ आज रात 12 बजे तक के लिए है और 12 बजे के बाद जो है ये ऑफर क्लोज हो जाएगा। जो ये फीस है एक्चुअल ये है और ऑफर में आपको फीस इतनी मिल रही है, चाहे शेरशाह बैच हो, चाहे कॉम्बो बैच हो, चाहे वीओडी बैच हो या सीजल मेंस का बैच हो, हर बैचेस पर जबरदस्त ऑफर है। तो जो भी स्टूडेंट बैच में एनरोल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है मेरे भाई। ठीक है, चलिए आ जाइए। चलो तो शुरू किया जाए इलेक्शन। अब देखो, इलेक्शन में सबसे पहला सवाल है आपके सामने। अब इलेक्शन में बात करते हैं, तो इलेक्शन में वास्तविक में होता क्या है? देखिए, चुनाव जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप देखते भी हैं आसपास में, जैसे अभी यूपी में चुनाव है, तो चुनाव में यही तो होता है कि एक व्यक्ति जीतता है और दूसरा व्यक्ति हारता है। ठीक है मेरे भाई, चलो हाँ, जीडी का मैराथन करा दीजिए, बहुत जल्द जीडी और यूपीएसआई के लिए भी एक मैराथन कराऊंगा मैं, ताकि आप सभी का काफ़ी बेनिफिट हो। ठीक, तो चुनाव में क्या होता है कि एक व्यक्ति जीतता है एक व्यक्ति हारता है। ठीक है, इसी कंसेप्ट पर पूरा का पूरा जो चुनाव है वो आधारित है, जहाँ पर हमसे ये भी बातें बोली जाती हैं कि कुछ मतें जो हैं वो इनवैलिड हो जाएंगी, कुछ बातें जो हैं वैलिड होंगी। तो छोटे छोटे कंसेप्ट जो है हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। सर, बफरिंग हो रहा है, बफरिंग जो है थोड़ा बहुत इंटरनेट की समस्या होगी आपके यहाँ, उस वजह से हो रहा है, बाकी एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, तो चुनाव के बारे में दो तीन बातें जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे जो हैं पप्पू जी हैं, पप्पू जी का नाम आप जानते हैं ना, ये हमारे राहुल गांधी हैं। ठीक है, और ये हमारे कौन हैं, तो ये हमारे मान लीजिए यूपी में चुनाव हो रहा है और ये हमारे योगी जी हैं। अब भैया, राहुल गांधी और योगी जी की पूरी चल रही है सीधी टक्कर। ठीक है, और टक्कर में क्या है, यहाँ पर आप ऐसे समझ लो कि चुनाव होने हैं और मान लीजिए योगी जी को 50% वोट मिलते हैं और राहुल जी को 50% वोट मिलते हैं, यानी जब दोनों को बराबर बराबर वोट मिलेगा तो क्या कोई चुनाव जीतेगा? तो बोलेंगे नहीं सर, कोई चुनाव नहीं जीतेगा। यानी अगर 100% वोट है तो दोनों को बराबर मिला, मतलब चुनाव का विजेता कोई भी नहीं है। लेकिन अगर इस चुनाव में हम ऐसा करें कि योगी जी को 50% से ज़्यादा का वोट कर दें और मान लीजिए 51% का वोट करें और राहुल जी को हम 49% का वोट दें, तो इस चुनाव में साफ साफ दिख रहा है कि योगी जी हमारे क्या हो रहे हैं, जीत रहे हैं। अब बात आती है कि जीते हैं तो कितने वोटों से जीत रहे हैं और कैसे जीत रहे हैं।
ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर जब योगी जी जीतेंगे तो कितने परसेंट वोटों से जीतेंगे? इनको आया 51%, इनको आया 49%, तो कितने परसेंट वोटों से इन्होंने जीत हासिल की? 2% वोटों से जीत हासिल की। ठीक है, फैजल खान कह रहे हैं बफरिंग हो रहा है, बफरिंग का थोड़ा सा इलाज किया जाए, एक मिनट देखते हैं कुछ सॉल्यूशन हो सकता है बफरिंग का। तो अब जो है वीडियो को देखेंगे एक बार, ऑल ओके है, बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात। अब यहाँ पर मान लीजिए कि ये तो वोटिंग हम तब करवा पा रहे थे जब हमारे सारे के सारे वोट जो हैं वो वैलिड थे, सारे के सारे मत जो हैं वो एकदम वैलिड थे, कोई भी वोट इनवैलिड नहीं था, कहीं पर कोई वोटों की बर्बादी नहीं हुई, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अगर मान लीजिए कल के दिन मैं सिंपल सा एक बात आपसे बोल दूँ कि 10% वोट जो है वो बेकार चला गया, क्योंकि कुछ 10% लोग ऐसे थे जिनकी एकदम दिलो इच्छा थी कि हम मोदी जी को भी सपोर्ट करें, मतलब योगी जी को भी सपोर्ट करें और साथ में पप्पू जी को भी सपोर्ट करें, तो उन्होंने दोनों को वोटिंग दिया, दोनों को वोट दिया, तो क्या हो गया? 10% वोट बेकार हो गया। मतलब अब हमारे पास कितना वोट बचा है? तो अब हमारे पास 90% वोट बचा है। अब जो पैसा, मतलब अब जो चुनाव जीतेगा वो यही 90 में वोटों में जीतेगा। अब ये 90 में ऐसा हो सकता है कि योगी जी को 60 मिलेगा, पप्पू को हमारे 30 मिलेगा, योगी जी को 45 मिल सकता है, पप्पू जी को जो है हमारे यहाँ पर हो सकता है कि 45 वोट इनको भी मिल सकता है, इस तरीके से करके इनको वोटिंग मिल सकती है। मतलब टोटल वोटों में से बेकार वोटों को घटा देते हैं तो बाकी हमारा जो वोट बच जाता है उस पर हम तय करते हैं कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। तो सबसे पहला सवाल, एकदम बेसिक सवाल आप सभी के लिए, ताकि आपका सभी का आंसर आए कमेंट बॉक्स में और सभी धुआंधार तरीके से आंसर दे पाएं। तो सवाल में बोला गया है एक चुनाव है, दो तरह के कैंडिडेट हैं, विनर को 60% मिलता है और वो 12,000 वोटों से जीत जाता है, तो बताओ चुनाव में टोटल वोट कितने थे? ठीक है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 60% वोट मिले और 12,000 वोटों से वो जीत हासिल कर ली, तो मतों की कुल संख्या क्या थी बता दीजिए। ठीक है, बता दीजिए। अब देखो, जैसे मानो यहाँ पर हम सिंपल सा बात बोलते हैं, हमारे पास वोट होते कितने हैं जनाब? तो 100% होते हैं। 100% में आप मुझे ये बताओ विनर बेचारा कितना ले गया? विनर बेचारा कैसे हो गया? विनर तो जीत गया और विनर को कितना मिला? तो 60%। अब बच कौन गया मेरे भाई? लूजर। और इसको 60% टोटल वोट है, 100%, तो लूजर को कितना मिलेगा? लूजर को मिलेगा यहाँ पर 40% का वोट। इस बात को ध्यान रखें, विनर को मिला 60%, लूजर को मिला 40%। अब मैं यहां आपसे ये बात पूछूं कि कौन कितने वोटों से जीतता है, तो आप मुझे बताओ विनर जीतेगा तो इन वोटों के अंतर से ही तो जीतेगा। जैसे आपने देखा होगा कि मान लो किसी को 5 लाख वोट मिले और किसी को 3 लाख वोट मिले, तो जो जीता वो 2 लाखों के वोटों के अंतर से जीता है, यानी 5 लाख और 3 लाख का अंतर यही इलेक्शन को जिताता है। तो यहां पर इसको मिला है 60% का वोट, इसको मिला है 40%, तो ये जनाब जीते हैं तो इन दोनों के अंतर यानी 20% से। समझ गए मेरी बात को? और इसी 20% का मान सवाल में कितना दे रखा है? 12,000 दे रखा है। अगर 20% का मान सवाल में 12,000 दे रखा है, 12K दे रखा है, तो हमें टोटल वोट पूछा है यानी 100% पूछा है, तो इसका 5 गुना 100 होता है, तो 12 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 60,000, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इस सवाल को और जल्दी में कैसे कर सकते हैं, तो आप ऐसे समझेंगे, विनर को 60 मिला, लूजर को 40 मिला, विनर जीता कितने से? तो 20% से। 20% का मान 12,000, 1% का मान 6,000, 100% का मान 60,000 हमारा उत्तर आएगा। कल के दिन हमसे ये पूछता है लूजर को कितना मिला, तो हमें 40% का मान बताना है, हमें विनर को कितना मिला, तो हमें 60% का मान बताना है। इस तरीके से हर सवाल का जवाब दिया जा सकता है। अब अगला सवाल आपके सामने है और बिना पेन उठाए आपको आंसर देना है, मेरी बात को समझिएगा, बिना पेन उठाए आप आंसर देंगे। सवाल में क्या बोला है कि एक चुनाव होते हैं, दो उम्मीदवार होते हैं, जीतने वाले को 65% मिलता है और वो 900 वोटों से जीत जाता है। अगर जीतने वाले को 65 मिले हैं तो खुद बताइए हारने वाले को कितना मिला होगा? तो बोलेंगे सर हारने वाले को 35% वोट मिला होगा। जीतने वाले को मिला 65, हारने वाले को मिला 35, यानी जो जीतने वाला है वो कितने वोटों से जीता? 30% वोटों से। और 30% वोटों का मान कितना है? तो 900। तो 1% वोट का मान है 30, तो 100% वोट का मान कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, बी फॉर बाहुबली यानी
3000 वोटों से जो है वो टोटल वोट होंगे हमारे। सभी के आंसर, बिल्कुल सभी के आंसर आने चाहिए, हर तरीके से हर स्टूडेंट आंसर करे, तभी मुझे यकीन हो पाएगा कि आप लोगों ने उस कंसेप्ट को समझा है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। धीरे 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 करके हम लेवल को बढ़ाएंगे, लेकिन अभी हर सवाल के आपको उत्तर देना है, ठीक है। चलिए अगले सवाल में, यहाँ पर ये जो है 60% हिंदी में एरर है, हिंदी को करेक्ट कर लेंगे। इसके हिंदी में सवाल में जो है वो यहाँ पर 60% के जगह कितना दिया जाएगा, तो हिंदी में इसके सवाल में 60 के जगह 65 दिया जाएगा, ठीक है। और 12000 के जगह कितना है मेरे भाई, तो 12000 के जगह सवाल में 900 है, इसके हिंदी को करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। थोड़ी बहुत हो जाती है गलती, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 65% और यहाँ पर 900 वोटों से जीत हासिल की। आ जाइए अगले सवाल में, सेम तरीके से सवाल बोला गया है, पता ये पेन उठाने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं। दो कैंडिडेट हैं, जीतने वाले को कितना मिला 30% वोट, और वो चुनाव, सॉरी जीतने वाले नहीं, एक व्यक्ति को मिला, ए को मिला 30% वोट, और वो 500 वोटों से चुनाव को हार गया, तो टोटल वोट कितने पड़े थे, आप मुझे खुद बताओ मेरे भाई, ठीक है। सिंपल सी बात आप मुझे खुद बताइए कि एक कैंडिडेट को मिलता है 30, यानी अगर हम बात करें तो कुल मतों की संख्या कितनी थी 100%, 100% में 30% जो है वो किसको मिला है, कैंडिडेट ए को मिला है, तो जो दूसरा वाला कैंडिडेट होगा उसको 100 में 30 इसको चला गया, तो उसको कितना गया होगा 70, ठीक है। अब या तो ऐसा कहा जा सकता है जैसे दो लोगों में चुनाव होता है, और दो लोगों के चुनाव का परिणाम क्या होता है, जैसे मानो मुझे मिले, मान लो हमारे राहुल गांधी जी को मिले 5 लाख वोट और हमारे जो है योगी जी को मिले 3 लाख वोट, तो या तो ऐसा हो सकता है कि योगी जी 2 लाख वोटों से हार गए, और नहीं तो ऐसा भी कहा जा सकता है उसी बात को कि राहुल गांधी 2 लाख वोटों से जीत गए, ठीक है। जीतेगा तो उसके तुलना में कहेंगे, हारने वाले के तुलना में हारने वाली बात कहेंगे। जैसे यहाँ पर दो तरीके से शब्द को कहा जा सकता है, या तो ऐसे कहा जा सकता है कि इन दोनों का अंतर कितना है 40%, ऐसे कहा जा सकता है कि बी 40% वोटों से जीत गया या ए 40% वोटों से हार गया, दोनों में कोई बातें कही जा सकती हैं। तो सवाल में बोला है कि कैंडिडेट को 30% वोट मिलता है और वह चुनाव 500 वोटों से हार जाता है, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ वोट कितने थे, यानी यहाँ पर ये जो 500 है ये 500 कितने का मान है, तो बोलोगे सर 40% का, और पूछा क्या है टोटल नंबर ऑफ वोट, यानी 100% का मान हमसे जनाब पूछा गया है। आप काटेंगे 0 से 0 काट लीजिए, 4 से काटेंगे तो 25 बार में 25 पच्चीस 125, 1250 जो होगा वो हमारा क्या होगा, टोटल आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा बात है, हारने वाले को मिला 30, जीतने वाले को मिला होगा 40, दोनों का अंतर कितने, सॉरी 70, दोनों का अंतर जो होगा वो कितने का होगा 40%, 40% का मतलब होता है 2 यूनिट, अगर 2 यूनिट का मान 500 है, 1 यूनिट का मान 125 होगा, 5 यूनिट का मान, सॉरी 10 यूनिट का मान 1250 होगा, वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर, आप यहाँ से उत्तर दे पाएंगे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। हाँ सॉरी, आप ऐसे कह सकते हैं 40% का मतलब 2 यूनिट, 2 यूनिट का मान 500, 1 यूनिट का मान 250, 5 यूनिट का मान 250 × 5 1250 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं, सवाल को बना सकते हैं, वो आपके ऊपर आधारित होता है, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब सवाल को देखिए, यहाँ पर एक और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके सामने, इसी तरीके से धीरे 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 आप चुनाव के हर उस टाइप को समझ पाएंगे और अपने जहन में उतार पाएंगे और सवालों को काफ़ी अच्छे तरीके से बना पाएंगे। तो आप अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एक और सवाल, जहाँ पर आपको कुछ वोटों के बारे में, इनवैलिड के बारे में बात की गई है। सवाल में बोला गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, कुल मतों का 20% अमान्य था, मतलब इतना वोट अमान्य हो गया, बेकार हो गया। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और वह 28,800 मतों से जीता। डाले गए मतों की कुल वोटों की संख्या कितनी होगी? बहुआ सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से बनाएंगे और एक बार छोटी छोटी चीज़ों को हम समझेंगे बारीकियों से, ताकि हम सवाल को बना पाएं। जैसे मानिए अगर इस सवाल को बेसिक से बनाना होता मेरे भाई, तो बेसिक से इस सवाल को हम कैसे बनाते, तो हम सिंपल एक ही बात कहते कि चुनाव में कितने कैंडिडेट हैं, 2 हैं, तो टोटल वोट जो होंगे वो कितने होंगे, 100% वोट होंगे, 100% वोट होंगे कि नहीं होंगे, तो बोलेंगे हाँ सर। कितना वोट जो है वो बेकार हो गया, तो 20% वोट बेकार हो गया, यानी इसमें से अगर आप मान लीजिए कि 20% वोटों को निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो 100 में से 20% चला गया, तो कितना हो गया, 80% वोट बचा है।
कोई समस्या की बात यहाँ पे। फिर उसके बाद बोला गया है जो विनर है उसको मिला 60% वैलिड वोट का। यहीं पर एक बच्चा गलती करता है मेरे भाई, वो सवाल को पूरा पढ़ता ही नहीं है, वो समझता है विनर को खाली मिला 60% और यहाँ आप 60% लिख देते हैं। नहीं, सवाल में आपको बोला गया है कि वैलिड मतों का, जो वैलिड मत है टोटल वोटों में से, देखो ये हमारा क्या था, ये हमारा टोटल वोट था और ये हमारा क्या है, ये हमारा वैलिड वोट है। अगर विनर को इसी क्वांटिटी का कितना परसेंट मिला है, 60%, तो लूजर को इसी क्वांटिटी का कितना मिला होगा, 40%, ठीक है। और यहां विनर कितने से जीता होगा, तो इसी का 20% से, यानी 80% का 20% से जो है वो विनर जीता होगा। मेरी बात को समझे, यहां जो भी मान होगा, x होगा, y होगा, z होगा, उसका 60% मिला मेरे किसको, मेरे भाई विनर को मिला यहां पर। तो लूजर को इस क्वांटिटी का कितना मिला होगा, 40%। तो विनर इसी क्वांटिटी के 20% से जीतेगा। 80% का 20% कितना होता है, तो आप यूं समझ लीजिए 80% का 20% होता है 16 यूनिट। सवाल में क्या बोला गया है कि विनर 28,800 से जीता है, यानी आप बोलेंगे जो 28,800 है ये कितने मतों का मान है, तो ये 16 का मान है और हमसे टोटल पूछा गया है, यानी हमसे 100 का मान पूछा गया है, तो 100 का मान हम बताएंगे। 16 से काटिए तो 16 से एक बार में 16, 128, 16, 28 और 18,000 जो होगा ऑप्शन नंबर ए, ए फॉर आओ कभी हवेली पे जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इस सवाल को और शॉर्ट में कैसे किया जा सकता था, ये तो आपका बेसिक अप्रोच था। बेसिक अप्रोच में आप मान लीजिए कि टोटल वोटों को 100 मान लेते हैं, 100% ना मानकर आप 100 भी मानेंगे तो चलेगा। 100 में से आपने 20% निकाल दिया, 80 बचा, 80 का 40 इसके पास। अब देखो यहां पर मैंने 40 और 60 बांटा है ना, तो 40% और 60% नहीं बांटा मैंने यहां पर। आप ऐसे समझ लो कि यहां पर वोटों की संख्या 100 थी, 20% निकालने के बाद वोटों की संख्या कितनी हो गई, तो 20% निकालने के बाद वोटों की संख्या हमारी हो गई 80। इस 80 का 40% देखो 60% मिलता है विनर को और इसी 80 का 40% मिलता है लूजर को, तो ये जीतता किससे है, तो 80 के 20% से यानी 16 से, ठीक है। 80 के 20% से यानी 16 से, तो जो मान दिया गया है वो 16 का है, तो 100 का मान हमें बताना है। अब इस सवाल को अगर मान लीजिए कि आप सीरीज मेथड से करना चाहते हैं, तो आप इस सवाल को एक लाइन में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप उन बातों को समझिएगा ध्यान से, ठीक। आप ऐसे समझिएगा मेरी बातों को, आप अगर चाहें तो इस सवाल में रिवर्स में भी लगाकर जा सकते हैं। रिवर्स में लगाकर कैसे जा सकते हैं, आप बोलेंगे कि देखो भैया मान लो जो भी मेरा वैलिड वोट था, देखो क्या होता है कि चुनाव होता है, चुनाव में कुछ वोटिंग होते हैं, वोटिंग में कुछ लोगों की वोटिंग को छांट दी जाती है, बेकार होते हैं वो, नालायक होते हैं, उनकी वोटिंग को छांट दी जाती है। उसके बाद विनर को 60%, अगर विनर को 60% था तो मुझे बताओ लूजर को कितना मिला होगा, 40%। तो विनर जो जीता होगा वो कितने से जीता होगा, तो 20% से, यानी 28,800। ये 28,800 जो है ये कितने का मान हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये 20% का मान है। अगर हम इसको मान लो 100 के साथ गुना कर देते हैं, तो ये हमारा वैलिड वोट निकलेगा कि ये अगर 20% का मान है तो उसका 100% क्या हो जाएगा, वैलिड वोट होगा, ठीक है। उल्टा हम चल रहे हैं, हम क्या चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं। और उसके बाद सवाल में हमसे बोला गया है कि 20% इनवैलिड थे, यानी ये अगर मान लो दोबारा से 80% का मान है, ठीक है, तो फिर से दोबारा से हमें कितने परसेंट का मान बताना है, 100% का मान बताना है, ठीक है। आप चाहो तो इस सीरीज को ऐसे लिख सकते हो, या इसी सीरीज को आप उल्टा भी लिख सकते हो कि अगर मेरे पास टोटल वोट x थे और x में कितना बेकार हो गया, 20%, 20% का मान होता है 1/5, यानी 1/5 चला गया तो बचा कितना, 4/5। ये वोट जो भी होंगे ये मेरे क्या होंगे, वैलिड वोट होंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर वैलिड में 60% कौन ले जाता है, विनर, वैलिड का 20% कौन ले जाता है, लूजर, ठीक है, सॉरी, वैलिड का 60% विनर ले जाता है, 40% कौन ले जाता है, लूजर। तो विनर कितने वोटों से जीता, तो विनर 20% वोटों से जीता, यानी यहां पर x टोटल वोट था, 4/5 से गुना करने पे वैलिड वोट हो गया और इसी का 20% यानी इसी का 1/5 सवाल में कितना दे रखा है, 28,800 रुपए दे रखा है। तो आप यहां से x का मान निकाल सकते हैं और x का भी मान आ सकता है। आपके पास सवाल को हल करने के अलग अलग तरीके हैं, अगर आप सीरीज से लगाएंगे तो आप ऐसे लगा लेंगे, या आप अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है,
ठीक है मेरे भाई, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगला सवाल आपके सामने है, और अगला सवाल बड़ा बेहतरीन तरीके से है, आप सवाल को पढ़िए आपको समझ में आएगा। सवाल में बोला गया है कि एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार हैं, ए है और बी है। 20% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, इस बात को समझिएगा। ए को कुल मतों का 40% प्राप्त हुआ और बी को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और 1600 मतों से वो चुनाव जीत गए, तो बी को कितने वोट मिले। देखो, जब भी ऐसा सवाल आए ना, इलेक्शन के उल्टे सीधे प्रश्न आपके सामने आए, तो मेरा हमेशा से ये मानना है कि आप ये वाला मेथड का इस्तेमाल करो। एक एक बातों को लिखोगे तो सवालों को काफी अच्छे तरीके से समझोगे। इसके अलावा कोई और मेथड लगाओगे, सवाल बनेगा तो सही लेकिन दिमाग की दही हो जाएगी बिल्कुल। जैसे ये सवाल को देखो, एकदम आसान है। आप बोलेंगे कि सर, अगर हम टोटल वोट को कितना मानते हैं, टोटल वोट को हम 100x मानते हैं। मान लीजिए सर, हमारे पास टोटल वोट कितने हैं, तो 100x हैं। सवाल में बोला गया है 20% लोगों ने वोट नहीं दिया। आप मुझे बताओ, तो जो वोट कास्ट हुए थे यहाँ पर, वोट जो कास्ट हुए थे वो कितना हुए थे, तो इसी का 80%, यानी 80 लोगों ने वोट दिया यहाँ पर, क्योंकि 20% लोगों ने वोट नहीं दिया। फिर सवाल में बोला गया है कि ए को 40% मिलता है टोटल वोट का, यानी अगर हम बात करें तो ए को जो वोट मिला है जनाब, ए को टोटल वोट का 40%, 100 का 40% कितना होता है, तो 40x होता है कि नहीं होता है। समझ में आया बात। ए गॉट 40% ऑफ द टोटल वोट, और बी को वोट क्या मिला है, तो बी को मिला है 60% ऑफ द वैलिड वोट। ठीक है, इलेक्शन देयर वर ओनली टू कैंडिडेट, 20% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। ठीक है, ए गॉट 40% ऑफ द टोटल वोट, और बी को जो मिला है, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ए को जो वोट मिला है वो कितना मिला है, तो टोटल वोटों का 40%, यानी 40x मिला है, और बी को जो वोट मिला है बोला है 60% ऑफ द वैलिड वोट। सवाल में यहाँ पर ये भी बोला गया है कि कुछ वोट जो हैं वो यहाँ पर अमान्य हैं। देखेंगे, जैसे मान लीजिए पहले चुनाव हुआ, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया और कुछ लोगों का वोट अमान्य हो गया, रद्द हो गया, बेकार हो गया। मेरी बात को आप समझ रहे हैं, और उसकी संख्या सवाल में कहीं पर दी ही नहीं गई है। सिंपल बोला गया है कि ए को टोटल वोट का मिलता है 40% और बी को मिलता है 60%। किसका? वैलिड वोटों का। वैलिड वोटों का 60%, और बी जो है, ठीक है, चुनाव जीत जाता है 1600 वोटों से, तो मुझे बताओ कि बी को वोट मिले तो कितने मिले। ये सवाल में मुझे नहीं लगता यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत है। 60% वोट और 40%, 20% का मान जो है वो इतना है 16 × 48, हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छे, 96, बहुत बच्चे 9600 उत्तर दे रहे हैं, बहुत बच्चे। एकदम सिंपल है, ठीक है, कि बी को वैध मतों का 40% मत प्राप्त हुआ, 60% मत प्राप्त हुआ, और वह 1600 मतों से चुनाव जीत गया। ठीक है, वह 1600 मतों से चुनाव जीत गया। बी को कितने वोट मिले हैं ये हमसे बोला है। बी को 60% का वोट प्राप्त हुआ, किसका? ऑफ द वैलिड वोट। तो अगर बी को 60% वोट मिला है, तो मुझे बताओ ए को कितना मिला होगा। तो ए को 40% मिला होगा। ठीक है, ए को कितना मिला होगा मेरे भाई, ए को 40% मिला होगा, किसका? वैलिड वोट का। अगर बी जो है यहाँ पर 60% ले जाता है, तो ए वैलिड वोटों का कितना ले जाएगा, तो वैलिड वोटों का ए 40% ले जाएगा। समझ में आ रहा है बात। तो यानी यहाँ पर बी जो चुनाव जीतेगा वो कितने परसेंट से जीतेगा, 20% से, और 20% किसका? वैलिड वोट का। 20% किसका? वैलिड वोट का। 20% का मान सवाल में 1600 दे रखा है, 60% का बताना है 4800 आना चाहिए। ऑप्शन में मुझे कहीं कोई गलती लग रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन में भी थोड़ी बहुत गलती है और ऑप्शन में भी मुझे गलती लग रही है। अगर आप इस सवाल को देखेंगे, सिर्फ दो ही कैंडिडेट हैं, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया है, ए को 40% मिलता है टोटल वोट का। एक बार सवाल को बढ़िया से बना लो, ए को मिला 40% और बी को मिला मेरे भाई 60% ऑफ वैलिड वोट। वैलिड वोट मतलब जो भी मान्य थे, मान लो यहाँ पर कास्ट में से आपका कुछ वोट यहाँ कट गया होगा, कुछ वोट कट गया होगा, तो उसका 40% इसको मिला है, 60% तो उसका 40 वोट यहाँ पर होगा, यानी यहाँ पर 100x का मान होगा। सवाल में काफ़ी गलती आ रही है, सवाल में इसको बाद में देखेंगे, छोड़िए हटाइए। इस सवाल को देखिए आप, ठीक है,
सवाल को देखिए, इस सवाल को देखिए। दो कैंडिडेट किसी चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया और 10% वोट जो है वो इनवैलिड हो गए। विनर को जो मिला वो 60% मिला वैलिड वोटों का और वह 28,800 के वोटों से चुनाव जीतता है। टोटल नंबर ऑफ वोट कितने थे, टोटल नंबर ऑफ वोट कितने थे, ये सवाल को देखेंगे। थोड़ा सा जो है भाषा में गड़बड़ी है, आराम से देखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो यहाँ पर हम सेम तरीके से क्या बोलेंगे कि सर टोटल वोट जो है वो हमारा कितना है, टोटल वोट हमारा 100x है। टोटल वोट को कितना मानेंगे, 100x मानेंगे। फिर उसके बाद बोला है 20% लोगों ने वोट नहीं दिए। एक एक स्टेप को आप लिखते जाओ जैसे जैसे बोला जाता है, तो टोटल वोट इतना था, तो जो वोट डाले जाएंगे कास्ट किया जाएगा, 20% लोग नहीं देंगे तो 80% देंगे, यानी 100 का 80% लोगों ने वोट दिया। फिर बोला गया 10% वोट इनवैलिड हो गए, तो वैलिड वोट कितने थे आप मुझे बताओ, इसका 10% आप निकाल दो यानी 8 निकाल दो, तो 80 में से 8 निकाल दोगे तो बचेगा कितना, 72x बचेगा। आप एक एक स्टेटमेंट को लिखते जाइए। आप टोटल वोट को मानिए 100, इसका 20% निकाल दीजिए, 100 का 20% 20 होता है, निकाल दिया। फिर इसका 10% आप निकाल दीजिए, बच गया आपके पास कितना, 72 वोट। अब ये आपके पास एकदम वैलिड है, इसमें कोई भी ऐसा वोट नहीं है जो बेकार होगा, कोई भी ऐसा वोट नहीं है जो नालायक होगा, ये सारे के सारे वैलिड होंगे, एकदम सही वोट होंगे। अब उसके बाद क्या होता है, बोला जाता है कि विनर को 60% मिलता है वैलिड वोटों का। अब आप मुझे बताओ जो वैलिड वोट है इसका 60% कौन ले जा रहा है, तो आप बोलोगे सर इसका 60% विनर ले जा रहा है, तो लूजर कितना ले जाएगा, तो लूजर इसी वोटों का तो 40% ले जाएगा। जो भी वेट होगा इसका 60% विनर के पास है, इसका 40% लूजर के पास है। अब मुझे बताओ साथ में, और विनर कितने वोटों से जीतता है, 28,800, तो ये 60% ले जाता है, ये 40%, तो ये कितने वोटों से जीतेगा, 20% से। ये कितने वोटों से जीतेगा, 20% से, यानी आप बोलेंगे कि सर 72x का 20% का मान सवाल में कितना दे रखा है, 28,800 दे रखा है। यही तो हमारे सवाल में डिमांड है कि इसका 20% सवाल में कितना, 28,800 है, x का मान आ जाएगा। तो चाहे कल के दिन आपसे पूछे टोटल वोट, तो आप टोटल वोट बता पाओगे, आपका एग्जामिनर वोट कास्टेड पूछे तो वोट कास्टेड बता पाओगे, वैलिड वोट पूछे तो वैलिड वोट बता पाओगे, विनर का पूछे तो इसका 60% निकाल देना, लूजर का पूछे तो इसका 40% निकाल देना। समझ में आ गई बात, 20% को बट्टे में जब बदलोगे तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर 1/5 बराबर कितना हो गया, इतना हो गया। 72 से क्या ये कटेगा, जैसे 4 से काटो तो 4 × 2 = 8 और 7 × 4 = 28 आपका कटेगा, ये 4 बार में, और 5 को 4 के साथ गुना करो तो x का मान 5 × 20 2000 आ जाएगा। अगर x का मान 2000 आ जाएगा तो टोटल वोट पूछा गया है, यानी 2000 को 100 के साथ और गुना कर दो, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सी। फॉर कहो ना प्यार है, एक एक बातें को समझिए। टोटल वोटों को माय डियर आपने कितना माना, 100 माना, 100 में से आपने कितने निकाल दिए जो कास्ट हुए थे, तो 20% लोगों वोट देने गए ही नहीं, उनको लगा कि बेकार है योगी को वोट देना, बेकार है कांग्रेस को वोट देना, इससे बढ़िया जाओ और वोट ही मत दो, तो 20% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, 80 ने तो दिया तो 80x हो गया। फिर 10% लोगों ने जो है उनका वोट बेकार हो गया, गए और योगियों पे टिप दिए और राहुल गांधी पे पप्पू पे भी हमारे टिप दिए, बोले नहीं आएगी सरकार तो दोनों की आएगी, नहीं तो किसी की नहीं आएगी, तो वो 10% का वोट बेकार हो गया। किसी भी संख्या का 10% उसको 10 से भाग करने पर निकलता है, 80 का 10% के लिए 80 को 10 से भाग करिए, 10 से भाग करेंगे तो 8 आएगा, यानी 80 में से 8 घटा दीजिए तो 72 हो गया। अब ये आपका वैलिड वोट है, और हमेशा याद रखना वैलिड वोट ही विनर में भी बटता है और वैलिड वोट ही लूजर में भी बटता है, वैलिड वोट को ही दोनों लोगों में बांटा जाता है। इसका 60% अगर विनर को दिया जाए तो इसी का 40% किसको दिया जाएगा, लूजर को दिया जाएगा, तो विनर जीतेगा कितने से, तो इसी वोट के 20% से, यानी 72 का 1/5 इतना दिया गया है, तो x का मान आ गया और सवाल बन जाएगा। समझ में आ रहा है बात, बहुत अच्छे भाई साहब। चलिए तो अगला सवाल उम्मीद करें आप लोगों से, प्रतीक, पतलू घोष, लकी, रेहान अबू, ठीक है, बताइए जल्दी से आंसर बताइए। अगला सवाल जो है, अगला सवाल आप लोगों के ऊपर है। देखो कंसेप्ट समझ जाओगे तो कोई भी सवाल होगा वो बना सकते हो, लेकिन अगर कंसेप्ट नहीं समझे तो बबुआ बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बुझ रहे हो कि नहीं बुझ रहे हो? अब जैसे इस सवाल में देखो, कैंडिडेट हैं, पार्टिसिपेट किए हैं चुनाव में, 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, 10% जो है वो इनवैलिड हो गया। कैंडिडेट ए को मिलता है 60% टोटल वोट का, भाषा में बदलते देरी नहीं लगती है, सवाल की भाषा बदल जाएगी। यहाँ ए को 60% मिल रहा था टोटल वोट का, और
और यहाँ पर विनर को 60% मिल रहा था वैलिड वोटों का, तो दोनों में बड़ा अंतर है। और दोनों में अंतर है तो आराम से स्टेप वाइज स्टेप हम एक एक सवाल को बनाएंगे। हम बोलेंगे कि देखो भैया, हमने अपने मन में माना है टोटल वोट को 100x, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो जो वोट कास्ट हुआ था वीसी, जो वोट कास्ट हुआ था इसका 90% हुआ था, यानी 90x, ठीक। फिर 10% लोगों का मत बेकार चला गया, यानी वैलिड वोट, वैलिड वोट इसका 90%, 90 का 90 कितना होता है तो 81 होता है, 81x लिख देंगे। उसके बाद सवाल में क्या बोला गया है, ए वाले कैंडिडेट को 60% दिया जाता है किसका, टोटल वोट का। अब देखो यहां पर मैं हमेशा से एक बात क्या बोलता हूं कि आपका जो ये 81 है यही बटता है, किसमें, ए में बटेगा और बी में। आप ऐसा तो है नहीं ना कि टोटल वोट को बांट दोगे, ऐसा नहीं करते। जो वैलिड होता है, जो मान्य होता है, वही वोटों की गिनती होती है और वही वोट विजेता और हारने वाले को मिलता है। तो सवाल में हमसे बोला गया है कि बेटा अब ए जो है, ए को कितना मिल रहा है 60% टोटल का, टोटल अगर 100 है तो 100 का 60 कितना हो गया, 60x। अब मुझे खुद बताओ, अगर इसको 60 मिलता है और वैलिड वोटों की संख्या 81 है तो बी को कितना मिलेगा, तो बोलोगे सर बी को मिलेगा हमारे 21x। समझ में आ गया बात, बी को कितना मिलेगा, तो बी को मिलेगा हमारा 21x। अब यहां पर खुद बताओ ए कितने वोटों से जीत जाएगा, इसको 60 मिला और इसको 21 मिला, तो बोलोगे सर ए जीतेगा कितने वोटों से, तो ए हमारा 60 में से 21 को घटा दो तो 39x वोटों से जीत जाएगा, 39x वोटों से जीत जाएगा। और सवाल में बोला गया है कि जो विनर है वो 3900 वोटों से जीता है, तो 39 का मान 3900, तो यहां पर x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 100 आ गया है, x का मान कितना आ गया है, 100 आ गया है। नंबर ऑफ वोटर इन वोटिंग लिस्ट कितने होंगे, तो 100 × 100 यानी 10,000 होंगे। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, एकदम सरल सरल तरीके से। टोटल वोट 100 हो गया, कास्ट करने वाले 90% हो गए और वैलिड वोट इसके भी 90 यानी 81 हो गए। ए को जो है 60 मिला है किसका, टोटल का, यानी 100 का 60 60 होता है, ठीक है। तो 81 में से 60 चला गया तो इसको 21 मिला। इन दोनों के अंतर से ही चुनाव जीता जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना है, 39x, 39 का मान 3900 है, x का मान 100 हो गया, तो टोटल वोटों की मर्जी आए पूछ लो। अब मुझे खुद बताओ, कल के दिन आपका एग्जामिन आपसे पूछे कि वैलिड वोट, वोट कास्ट कितने थे, कितने लोगों ने वोट दिया, तो हमें कितने का मान बताना है, 90x का। कल के दिन हमारा एग्जामिनर हमसे पूछे कि वैलिड वोट कितने थे, तो हमें कितने का मान बताना है, 81x का। कल के दिन वो हमसे पूछे बी को कितना मिला, तो 21x। इस मेथड से आप क्या कर पाएंगे, हर तरह के सवाल को बना पाएंगे। आपसे अगर ए का पूछेगा तो ए का बता पाएंगे, बी का पूछेगा बी का बता पाएंगे, वोट कास्ट पूछेगा वो बता पाएंगे। इसमें इतनी ज्यादा सहूलियत होती है सवाल को बनाने की कि हर स्टेप पर हर क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है। चलिए बिल्कुल अगले सवाल पर आ जाइए। अगले सवाल पर सेम तरीके से आपको एक और प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा डेटा में बदलाव है और मुझे लगता है कि आप इसका उत्तर बता पाएंगे। दाऊद शेख, खुशी कुमारी, दीप बादशाह, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार, ठीक है। सर किसकी तैयारी करवा रहे हैं मेरे भाई, मैं आपको ओवरऑल सभी एग्जाम्स की तैयारी करवा रहा हूँ जिसमें आपके प्रतिशत पूछे जाती है, ठीक है। कोई फिक्स नहीं है कि हाँ ये फेज 9 के लिए ही है और बाकी के लिए नहीं है, क्योंकि अगर आप ये मैथ स्पेशल जो फाउंडेशन बैच यूट्यूब पर चल रहा है, अगर आप इसको रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आप कोई भी एग्जाम को निकाल पाएंगे, इतना मेरा दावा है आपसे, ठीक है। बस कायदे से पढ़ाई करते रहिए, अच्छे तरीके से जो है करते रहिए और आपका सिलेक्शन होते टाइम नहीं लगेगा। सवाल में बोला गया है सेम तरीके से एक चुनाव होता है, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया है, 10% लोगों का वोट बेकार हो गया है, ए को मिला है 40% किसका, टोटल वोट का, तो और वो चुनाव को जीत गया है 2400 वोटों से, तो बताओ नंबर ऑफ वोटर कितने थे। एकदम सरल आसान सवाल, सभी का आंसर। देखो मैथ अगर बनाना है ना मेरे भाई, तो पेपर पेन उठाकर बनाओ, ठीक है। बिना पेपर पेन उठाए जो है सवाल नहीं बनते। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको शादी करनी है या आपको सगाई करनी है, तो बिना अंगूठी के रस्म के मेरे भाई सगाई नहीं होती है। ऐसा नहीं हो गया बोल दिया कि हाँ वो हमारी मंगेतर है तो मंगेतर हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। पंडित जी चाहे कितना भी मंत्र क्यों ना पढ़ ले, जब तक आप अंगूठी नहीं डालेंगे और जब तक बारात लेके जा रहे और वरमाला नहीं डालेंगे, आगे का कार्यक्रम संभव नहीं है। उसी तरीके से मैथ है, अगर तब आपको समझ में आएगा जब आप यहाँ पर क्या करेंगे, सवालों को बढ़िया तरीके से कॉपी पेन उठाकर प्रैक्टिस करेंगे। समझ रहे हैं बातों को, ऐसे हवा हवा मत खेलिए। तो टोटल वोट आप कितना मानेंगे, फिर से तो बोलेंगे सर टोटल वोट हम कितना माने, तो टोटल वोट हम 100x माने हैं,
ठीक। उसके बाद बोला गया है 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो जो वोट दिया वो कितना दिया? इसका 20% नहीं दिया तो इसका 80% तो देगा, तो बोलोगे हाँ सर। 10% लोगों का इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना हुआ? अगर इसका 10% इनवैलिड है तो इसका 10% कितना होता है? किसी भी संख्या का 10% उसको 10 से भाग कर दो, 80 का 10% यानी 8, तो 80 में से 8 चला गया यानी 72x लोगों ने वोट दिया है। सवाल में बोला है ए को जो है 40% मिलता है किसका? टोटल वोट का। आपको बार बार हम समझाते हैं कि वैलिड वोट ही बढ़ते हैं, और वैलिड वोट किस में बढ़ते हैं? ए में बढ़ता है और बी में बढ़ता है। अब ए को वोट कितना मिला है? तो बोला गया है ए को 40% मिला है टोटल का, तो 100 का 40 कितना होता है? तो 40x होता है। अगर 72 में से 40 जो है वो ए के पास है, तो बी के पास कितना है? तो 72 में से 40 घटा दो यानी 32 है। अब बताओ चुनाव कौन जीतेगा, ए जीतेगा कि बी जीतेगा? बोलोगे सर ए जीतेगा। कितने वोटों से? तो 8x से, 8x वोटों से जीतेगा। और सवाल में बोला गया है जो चुनाव जीतने वाला है उसको 2400 वोट अधिक मिले हैं, यानी ये जो 2400 वोट हैं ये कितने के मान है? तो ये हमारे 8x के मान है। और हमें कितना बताना है? नंबर ऑफ वोटर इन वोटिंग लिस्ट, यानी हमें 100x का मान बताना है। x से हमारा x खत्म, 8 से काटेंगे 3 बार में, 3 2 0 और 2 और 0। कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल मांगे मोर। सर फेज 9 में सबका पैटर्न और सिलेबस सेम होगा? बिल्कुल ग्रेविटी जी, देखो कोई हमारे पास एक बहुत बड़ा चैनल नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं तो कि मैं आपको सुबह में फेज 9 का क्लास करवा रहा हूं, शाम में मैं आपको जीडी का क्लास करवा रहा हूं, दोपहर में मैं आपको यूपीएसआई की क्लासेस करवा रहा हूं। अल्टीमेट अगर आप कंसेप्ट को समझेंगे ना, ठीक है, तो जितना पेचीदा बनाओगे उतना मुश्किल है किसी कैंडिडेट के लिए। ऐसा नहीं होता कि हाँ यहाँ जीडी के लिए कुछ और पढ़ना है, फेज 9 के लिए कुछ और पढ़ना है, यूपीएसआई के लिए कुछ और पढ़ना है। थोड़े थोड़े टॉपिक्स वेरी करते हैं, जिस तरीके से मैं आप लोगों को यूट्यूब पर करा रहा हूँ फाउंडेशन बैच में, अगर आप उसको पढ़ते हैं तो आप जैसे रेलवे का एनटीपीसी का एग्जाम देते हैं, एएलपी का एग्जाम देते हैं, ग्रुप डी का एग्जाम देते हैं, एसएससी में सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ का एग्जाम देते हैं, आप हर एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने इन सभी एग्जाम्स को क्रैक किया हुआ है, ठीक है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो मैंने नहीं छोड़ा है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो हर किसी के लिए अलग अलग पढ़ाई नहीं करनी होती है, थोड़ी बहुत बातों का अंतर होता है, थोड़ा बहुत सिलेबस का अंतर होता है। जैसे यूपीएसआई में सेट थ्योरी आ गया उसको अलग से पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी आ गया उसको अलग से पढ़ना है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि नहीं यूपीएसआई का प्रतिशत में कुछ और दिया जाएगा और जीडी के प्रतिशत में कुछ और सवाल दिए जाएंगे, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। अब जो बड़े बड़े चैनल्स होते हैं उनके चोचलेबाजी अलग अलग होते हैं, हर के लिए स्पेशल थंबनेल लगाकर क्लासेस चलवाएंगे, बच्चों को भी लगता है नहीं स्पेशल यूपीएसआई की क्लास चल रही है भागो, तो भाई वैसा काम मैं नहीं कर सकता, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए, जो कंसेप्ट है मैं आपको वो देना चाहता हूँ, यहाँ पर पर्टिकुलरली उस तरीके से थंबनेल बनाकर बेवकूफ नहीं बनाना है, ठीक। चलिए सवाल को पढ़िए। अब देखो कुछ मिसलिनियस तरह के सवाल हमें देखने हैं, इलेक्शन आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, अब इलेक्शन के बाद कुछ मिसलिनियस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, और ऐसे सवाल को आपने लगभग हर परीक्षा में देखा होगा। सवाल में आपको क्या बोला जाता है कि किसी स्टूडेंट को 36% अंक आते हैं और फिर भी वह 32 नंबर से फेल हो जाता है, और दूसरा वाला वहीं पर 48% नंबर आते हैं और फिर भी कितने नंबर से पास हो जाता है? 64 नंबर से पास हो जाता है, तो पासिंग परसेंटेज बताओ। अब एक बात बताओ, क्या आप लोगों ने ऐसा सुना होगा बचपन में? हमारी क्लास में तो खासकर चलता था, ठीक है। मेरा जो दोस्त है वो पूरा बैठ के रोएगा, मैं पूछूंगा भाई कितने नंबर आए, तो भाई यार बस यूं समझ लो पास होने के लिए 32 नंबर और चाहिए थे और मैं फेल हो गया। उसके बगल में जो लड़की बैठी है वो उससे ज़्यादा और रोएगी, पूछेंगे भाई क्यों रो रहे हो तुम, ये बात बताओ यार 91% आए, बस ओनली 91% आए। फिर भाई साहब उसकी जो कुटाई होती थी ना, मतलब कुटाई तो नहीं दो थे, वो मजे लेते थे, मतलब लड़कियों के 91% आए तो भी उनके लिए कम है, और बेचारा यहाँ लड़का जो अगर 33% आ गया पास हो गया तो मोहल्ले में क्या जोरो, पूरे के पूरे स्कूल वालों को मिठाई खिलाना शुरू कर देता है, ठीक है, ऐसी वाली कहानी हो जाती है। तो यहाँ पर भी जो सवाल है वो ऐसे ही है कि 36% अंक लाकर भी 32 नंबर से फेल हो गया, और जो ज़्यादा लेकर आता है 48% लेकर आता है वो पासिंग से 64 नंबर ज़्यादा लेकर आता है। बोलता तेरा भाई, देख तेरे भाई को है ना 48% नंबर है, और पता है तेरे भाई के पासिंग मार्क्स से भी 64 नंबर ज़्यादा हैं। तो अब भाई साहब ऐसे सवालों को बनाया जाए तो बनाया जाए कैसे? दो चीज़ें पूछी जा सकती हैं, या तो पास करने में परसेंट कितना चाहिए, कितना पासिंग परसेंटेज था, या
फिर अगर ऐसे नहीं पूछेगा तो पासिंग नंबर कितने थे, ठीक है। दो तीन तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पासिंग परसेंटेज, पासिंग नंबर, पहले वाले को जो है कितने नंबर प्राप्त हुए ये पूछा जा सकता है, या टोटल कितने परसेंटेज, तरीके से हर बातों को पूछा जाएगा। तो सवालों को हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं बेसिक तरीके से, फिर आपको मैं एक हीरो कंसेप्ट दूंगा जिससे आप इस सवाल को एक लाइन में उड़ा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बड़े आसानी से समझिएगा सवाल में, आप मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो कि कोई व्यक्ति है उसको पास करना है, ठीक है, तो पास करने के लिए दो कहानी है, एक है जो फेल कर रहा है और दूसरा है जिसको पासिंग से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। तो जो फेल कर रहा है, जैसे मान लो पहला वाला विद्यार्थी है, इसको 36% नंबर आ रहे हैं और ये 32 अंकों से फेल हो गया, तो आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे देख भाई तेरे को 36% तो आ ही रहे थे, अगर तेरे को हम ये 32 नंबर और दे दें तो तू क्या हो जाएगा, तो ये लड़का पास हो जाएगा, फिर ये लड़का क्या हो जाएगा, ये लड़का हमारा पास हो जाएगा, मेरी बात समझ रहे हो। और जिसके पास ज़्यादा नंबर हैं, बहुत उड़ रहा है, बहुत फुटफुटा रहा है, तो एक काम 48% नंबर लेकर आया है और बोलता है कि पासिंग से 64 हैं, अगर इसमें से 64 घटा दोगे तो ये भी पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाएगा, यानी पास मार्क्स के करीब में आने के लिए जो फेल हो रहा है उसको थोड़ा सा दे देना है और जो पास नंबर से ज़्यादा है उसे थोड़ा सा ले लेना है और कमी कर देनी है। तो दोनों किसके बराबर हो जाएंगे मेरे भाई, दोनों पासिंग के बराबर। जैसे आप ऐसा लिख सकते हैं कि पास करने वाले की कंडीशन क्या होगी, तो पास करने वाले की कंडीशन ऐसी होगी कि टोटल मार्क्स को, अगर मान लो हम यहां पर बोले कि हमारा जो टोटल नंबर है, टोटल मार्क्स को एकदम बेसिक से बता रहा हूं, फिर शॉर्टकट भी बताऊंगा, टोटल मार्क्स को अगर हम 100x मान लेते हैं, तो पहला वाला कैंडिडेट पास कब होगा, वो पास तब होगा जब वह 36% नंबर लाए और साथ में 32 नंबर और लेकर आए, यानी 100 का 36% कितना होता है, तो बोलोगे सर 36x होता है, इतना तो लेकर आ ही रहा है, अगर 32 नंबर और लेकर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर वो पास हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे वाले कैंडिडेट की, दूसरा वाला पास कब होगा मेरे भाई, तो दूसरे वाला पास कब होगा जब उसको टोटल वोटों का जो भी मार्क्स है उसका 48% नंबर आए, यानी 48x, और इसमें से जितना अधिक है उसको घटा दिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा, वो लड़का भी पास हो जाएगा, यानी जिसको कम आ रहे हैं उसको देना है और जिसको ज़्यादा आ रहा है उसमें से घटाना है। अब ये भी पास के बराबर, ये भी पास के बराबर, ये दोनों पास के बराबर हैं, जब ये दोनों पास के बराबर हैं तो इनको आपस में बराबर किया जा सकता है, तो बोलेंगे हाँ सर ये भी पासिंग मार्क्स है और ये भी पासिंग मार्क्स, इनको बराबर करोगे तो आएगा 36x जमा 32 बराबर होगा 48x माइनस किसके, 64 के। ये 64 को इधर लेकर जाओ तो 64 और 32 कितने हो गए, 96 हो गए, और 48 में से 36 घटाओगे तो हो गया 12x, 12x का मान 96, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आपका 8 आ जाएगा। अब x का मान 8 आ गया है तो आप यहाँ सवाल में हर कुछ बता सकते हैं, मेरी बात को समझिए, अगर आपसे टोटल मार्क्स पूछेगा तो बोलेंगे 800 नंबर का पेपर था, आपको पूछेगा पास नंबर होने के लिए, पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए था, तो आप बोलेंगे कि अगर x का मान 8 है तो 8 इंटू 36 और जमा 32 ये हमें पास होने के लिए नंबर चाहिए था, तो ये हमारा पासिंग मार्क्स बोलेगा। अगर आपसे मानो पूछता है कि पासिंग परसेंट कितना है, तो आप बोलेंगे यहाँ पास का नंबर निकालेंगे कि पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, और फिर यहाँ पर देखेंगे कि ये 100x का कितना परसेंट है, या आप उल्टा भी कर सकते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए कि 8 का मान कितना है, तो 8 का मान x है, अगर 8 का मान x है तो पहले वाले कंडीशन में पास होने के लिए जो चाहिए, देखो ये कितना है, तो 36x है, मेरी बात समझ गए, अगर हम इसको भी x में कन्वर्ट कर दे तो प्रतिशत बता पाएंगे, 8 का मान x है तो 32 का मान, यानी 8 का 4 गुना 32, तो x का 4 गुना कितना होगा, 4x हो जाएगा, यानी 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40x चाहिए, 40x चाहिए क्या, पास होने के लिए, 100 में 40 नंबर चाहिए, यानी पासिंग परसेंटेज कितना होगा, 40। ये तो सवाल था बेसिक तरीके से बनाने का, लेकिन आपको ऐसे बेसिक तरीके से नहीं बनाना है। बेसिक मैंने आपको क्यों सिखाया, क्योंकि चाहे कोई कितना भी शॉर्ट ट्रिक के दम पर क्यों ना उड़ ले, अगर सवाल में थोड़ा गहरे तरीके से पूछा गया तो ये बेसिक ही काम आना है। जैसे मानो कल के दिन आपसे टोटल मार्क्स पूछ दिया जाए तो आप 800 बता सकते हो, पासिंग मार्क्स पूछ दिया जाए तो आप इसके बता सकते हो, आपसे ए का नंबर पूछ दिया जाए तो 36x में आप 36x की वैल्यू बता सकते हो, हर सवाल का उत्तर यहाँ से दे सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रिक में,
ट्रिक में बात करें यहाँ पर, तो ट्रिक में सवालों को कैसे बनाएंगे, जो इतना बड़ा अप्रोच है इसको हम एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, और आप लोगों को भी वो अप्रोच सीखना है, एक लाइन वाला अप्रोच सीखना है। आप ऐसे बोलोगे, देखो पहले वाले व्यक्ति को कितना अंक आया, तो 36% आया, ठीक है, और वो कितने नंबर से फेल हो गया, 32 से। फेल होने के लिए क्या लगाएंगे, माइनस का साइन। दूसरे वाले व्यक्ति को कितना आया, 48%, और उसके लिए साइन क्या लगाएंगे, तो उसके लिए 64 नंबर ज़्यादा है, तो प्लस का साइन लगाएंगे। लगाएंगे बस आप इतना काम कर दीजिए और कुछ मत करिए। आप इन दोनों का अंतर करिए, मान लीजिए 48 में से आप 36 को घटाते हैं, तो 48 में से 36 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12%, और 64 में से आप घटाते हैं किसको, -32 को, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 64 जमा 32 कितना हो जाएगा, तो 96। आपका सीधा सीधा यहीं से सवाल आ गया कि 12% का मान कितना है, 12% का मान 96 है, तो 1% कितना होगा, तो 1% 8 नंबर के बराबर। देखो सवाल में 1% कितना है जनाब, तो 1% 8 नंबर के बराबर। बोला गया है पास होने के लिए प्रतिशत कितना चाहिए, परसेंटेज पूछा है। आप लोगों को एक बात बता दें कि अगर आपका एग्जामिनर परसेंटेज पूछेगा तो आप सवाल को परसेंटेज में बनाएंगे, और अगर आपका एग्जामिनर मार्क्स पूछेगा तो आप मार्क्स में बनाएंगे। जैसे उसने परसेंटेज में पूछा है तो आपको उत्तर परसेंटेज में देना है, और आपको ऊपर दिए गए दोनों में से कोई भी डेटा को, सभी को परसेंटेज में बदलना है। जैसे ये ऑलरेडी प्रतिशत में है, अगर इस 32 को भी प्रतिशत में बदल दें तो हम आंसर दे सकते हैं, या फिर ये ऑलरेडी प्रतिशत में है, इस 64 को भी हम 32 में बदल दें तो आंसर दे सकते हैं। दोनों तरीके से देखिए आप कैसे। आप बोलेंगे 8 नंबर 1% के बराबर, तो 34 नंबर कितने परसेंट के बराबर, 4% के बराबर। अगर कोई व्यक्ति 36% ला रहा है और 4% से फेल हो जा रहा है, यानी पास होने के लिए कितना चाहिए, तो आप बोलोगे सर 36% तो चाहिए ही चाहिए, और 4% और चाहिए, यानी 40%। या आप ऐसे बोलेंगे कि 8 नंबर 1% के बराबर, तो 64 नंबर 8% के बराबर। किसी व्यक्ति का 48% अंक आ रहा है और 8% ज्यादा है, तो आप क्या बोलेंगे कि 48 में से कितना घटा दो, 8 घटा दो, यानी दोनों केस में जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 40%, और पासिंग कितना है, 40%। इस तरीके से आप बना पाएंगे सवाल को। फिर से समझ लीजिए, कोई 36 अंक ला के 32 कम लेके आता है, ठीक है, या आप उल्टा भी कह सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं सवाल को, 32 कम लेके आता है, कोई 48% लाके 64 ज़्यादा लेके आता है, इन दोनों का अंतर कितना है, 12%, और इन दोनों का अंतर कितना है, 96। 8% 1% का मान 8 नंबर, यानी 8 नंबर 1% के बराबर, 32 नंबर 4% के बराबर, इसको 4% और मिल जाए तो पास हो जाएगा, या इसमें से 8% घटा दिया जाए तो पास हो जाएगा। ऑल क्लियर है, हर तरह से क्लियर है, कोई समस्या है कहीं पे, कोई परेशानी है कहीं पे बताइए, ठीक है। तो इस तरीके से आप सवाल का उत्तर दे पाएंगे। परसेंटेज पूछेगा तो परसेंटेज बताना है, और आपको जो है, अगर मान लो किसी स्टूडेंट को यहाँ माइनस और प्लस में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो उल्टा करके भी लिख सकते हो, कोई समस्या की बात नहीं है। अब जैसे इस सवाल को देखिए, अब यकीन है मेरा कि आप इस सवाल को सेकेंडों में बना पाएंगे। सवाल में क्या बोला है कि 40% अंक लेकर आते हैं और 20 नंबर से फेल हो जाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आप उल्टा भी लिख सकते हैं। जैसे मानो अगर मैं पीछे वाले सवाल की बात करूँ ना, ठीक है, तो पीछे वाले सवाल में ऐसा भी लिखा जा सकता है, इस माइनस को प्लस लिख दो और प्लस को माइनस लिख दो, ऐसे भी कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हो कि 36% में 32 ला दो या 48 में से 64 घटा दो, तो दोनों पास मार्क्स के बराबर हो जाएगा। अगर आपको चीज़ें कम समझ में आ रही हैं, आप ऐसे भी कर सकते थे कि जिसको 36% आया उसमें 32 और आना चाहिए, और जिसको 48 आया उसमें से 64 कम कर देना चाहिए। इन दोनों का अंतर है 12, और इन दोनों का अंतर कितना है, तो बोलोगे सर माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, तो 96 हो जाएगा, यानी तब भी 1% का मान कितना आएगा, तो 1% का मान 8 नंबर आएगा, 8 मार्क्स आएगा, कितना आ जाएगा, 8 मार्क्स। 8 नंबर 1% के बराबर, तो 32 नंबर 4% के बराबर, तो 36 और 4 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 40%, या 8 नंबर 1% के बराबर, 64 नंबर 8% के बराबर, 48 में से 8 घटाओगे तो भी कितना आएगा, 40%, और ये हमारा हो जाएगा पासिंग परसेंटेज। दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं, जैसे यहां पर भी है। आप देखो सवालों को है ना तोड़ना और मड़ोड़ना सीखो, ऐसे नहीं है कि किसी ने एक फिक्स पैटर्न रटा दिया और चल पड़े उनकी राह पे, और वहीं जैसे वो बता रहे हैं वैसे हम किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। आपको अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग भी सवालों को मॉडिफाई करना है कि आप जिससे समझ पाए और पेपर में गलती ना हो। इससे आसानी क्या हो गई कि एक बच्चा माइनस और प्लस में कंफ्यूज नहीं होगा और कंसेप्ट क्लियर होंगे। जैसे मानो इसी सवाल को मुझे लिखना है, कोई व्यक्ति
40% नंबर लाता है 20 नंबर से फेल हो जाता है, तो हम बोलेंगे यार वो 40% लाया है और अगर वह 20 नंबर और लेकर आता तो ये पास के बराबर होता। फिर वह 48% लेकर आता है और कितने नंबर से फेल हो जाता है, पास, 44 नंबर से, यानी इसमें से 44 घटा दोगे तो बोलोगे वो पास हो जाएगा। 48 में से 40 को घटाओ तो कितना आएगा, 8%, और -44 -20 कितना हो जाएगा, 64 मार्क्स हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 8 नंबर जो हैं, 8 नंबर या 8% कितने के बराबर है, 8% जो है वो 64 नंबर के बराबर, 1% कितने के बराबर, तो 1% 8 नंबर के बराबर, या 8 नंबर 1% के बराबर आप ऐसा भी कह सकते हो। सवाल में आपसे क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है कि कितने परसेंट पे वो व्यक्ति पास होगा। आप मुझे बताओ आपको ये परसेंट में बताना है या ये परसेंट में, आप जिससे भी बताओगे आपका उत्तर माय डियर समान ही आएगा। लव यू भाई, लव यू, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो, आप बोलोगे सर 8 नंबर 1% के बराबर, तो 20 नंबर कितने के बराबर, 8 नंबर 1%, तो ये जो 1% है ये कितने नंबर का मान है, 8 का, ये 8 का मान है, हमें 20 का मान बताना है, 20 से गुना करेंगे, 8 से काटोगे तो 2.5 बार में कटेगा, 2.5 बार में, यानी जो व्यक्ति 40% ला रहा है अगर वह 2.5% और लेकर आए तो वो पास हो जाएगा, यानी पासिंग कितना हो गया, 42.5, या ऐसे कह सकते हो 8 नंबर 1% के बराबर तो 44 जो होता है वो 5.5% होता है, तो 48 में से 5.5 जाएगा तब भी कितना आएगा, 42.5। एग्जामिनर को घुमाने दो, वो सवाल कितना घुमाता है, करने दो उसको टफ जितनी उसकी मर्जी है, आपके कंसेप्ट अगर एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना, शीशे की तरह साफ है, तो आपको सवाल में कभी भी कोई परेशानी हो ही नहीं सकती है। एक एक बातों को शुरू में सीखना है, बहुत ही कायदे तरीके से, बहुत ही प्यार तरीके से सीखना है, और एकदम मुझे यही चाहिए, डेली मुझे यही चाहिए, जिस तरीके से मेरा हर स्टूडेंट आज मेरा भाई बहन आंसर दे रहा है, उसी तरीके से आप सभी से मुझे आंसर चाहिए, और मैं समझूं कि ये 1 घंटे जो है मेरा पढ़ाया हुआ सफल हुआ और आप लोगों ने चीज़ों को सीखा काफ़ी अच्छे तरीके से। फाउंडेशन बैच है तो फाउंडेशन को मजबूत करना है, टफ सवाल तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है लगाने के लिए, बस अपने फाउंडेशन को मजबूत कर लें। सवाल में इसी तरीके से बोला गया है। अब देखो यहाँ पर आपसे परसेंटेज नहीं पूछा जाएगा, मार्क्स पूछा जाएगा, ठीक है। सवाल को देखिए, अब सवाल में देखो यहाँ पे एक एग्जाम में स्टूडेंट को 20% नंबर आते हैं और वो 30 नंबरों से फेल हो जाता है, दूसरा व्यक्ति 32% लाता है और वो 42 नंबर ज़्यादा लेकर आता है पास मार्क्स से, तो अब मार्क्स पूछा गया है। जब मार्क्स पूछा जाएगा तो मार्क्स बताएंगे, जब परसेंटेज पूछा जाएगा तो परसेंटेज बताएंगे। आप मुझे बताइए कि व्यक्ति को 20% अंक आए हैं कि नहीं आए हैं, तो बोलेंगे हाँ, और कितने अंकों से फेल हुआ है, 30, यानी इसको 30 अंक और आ जाते तो बेचारा पास हो जाता। दूसरा वाला स्टूडेंट कितना लेकर आया, तो बोलेंगे सर 32% लाया, और पासिंग से ज्यादा लाया कि कम लाया, तो बोलेंगे सर ज्यादा लाया, मतलब 42 उसमें से क्या करिए घटा दीजिए। 32 और 20 का डिफरेंस कितने का होता है, तो 12% का, और 42 में से -42 में से जब आप माइनस करेंगे 30 को तो ये -72 होगा। हमें सिर्फ नंबर लिखना है, यानी ये बराबर है 72 अंकों के, ये 72 अंकों के बराबर है। 12% अगर 72 अंकों के बराबर, तो 1% कितने के बराबर माय डियर, 1% 6 मार्क्स के बराबर है। 1% कितने के बराबर है, 6 मार्क्स के। आप मुझे बताओ यहाँ सवाल में, खुद बताओ मुझे, पासिंग परसेंटेज पूछा है कि पासिंग मार्क्स पूछा है, तो बोलेंगे सर पासिंग मार्क्स पूछा है। ये सारे ऑप्शन गलत हैं, आप इनको कुछ पल के लिए काट दो, पासिंग मार्क्स पूछा गया है। तो 1% 6 नंबर के बराबर, तो पासिंग मार्क्स की वैल्यू या तो इसमें रख दो तो मिल जाएगा, या इसमें रख दो तो मिल जाएगा। 1% 6 नंबर के बराबर, 20% 120 नंबर के बराबर बोलो, ठीक है। 1% की वैल्यू 6 नंबर, तो 20% की वैल्यू 120 में 30 आ जाएगा, तो लड़का हमारा 150 नंबर लाकर पास हो जाएगा। या 1% 6 नंबर के बराबर, तो 32% कितना होगा, 192, और 192 में से आप 42 घटा दोगे तो भी 150 नंबर आएंगे, और 150 नंबर में वो पास हो जाएगा। तो इसके ऑप्शन जो थे वो थे 150, 100 नंबर आपके थे, 40 नंबर और थे यहाँ पर 200। आप इस तरीके से लिख लो, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। फिर से मेरी बातों को समझिएगा, हमें मार्क्स में बताना है। जब मार्क्स में बताना होता है तो ये ऑलरेडी मार्क्स में है, इसको मार्क्स में बदल दो, ठीक है। जैसे ये ऑलरेडी मार्क्स में है, इसको बदल दो तो बता पाओगे। और परसेंटेज में बताना होगा तो ये ऑलरेडी परसेंटेज में है, इसको भी परसेंटेज में बदल दो तो आंसर दे पाओगे, ठीक। 1% 6 नंबर के, 20% 120 में 30 और आ जाता, यानी 150 नंबर पर वो लड़का हमारा पास हो जाता,
ठीक है। अगर मान लीजिए इसी सवाल में हमसे परसेंटेज पूछता, पास करने का परसेंटेज कितना है, तो आप बोलते सर 1% 6 नंबर के बराबर, या 6 नंबर 1% के बराबर। अगर 6 नंबर 1% के बराबर, ये ऑलरेडी प्रतिशत में है, बस इसको प्रतिशत में बदलना है। बदलना है तो बोलोगे 6 नंबर 1%, तो 30 नंबर कितना परसेंट, 5% होगा, होगा कि नहीं होगा, यानी ये 20% है और 5% और आ जाए, यानी 25% क्या होगा हमारा, पासिंग मार्क्स होगा। ठीक है, क्या होगा पासिंग मार्क्स, कितना होगा 25%। और साथ में कल के दिन अगर आपसे टोटल वैल्यू पूछ दे, तो 25% का मान 150, तो 100% का मान कितना होगा 600, यानी 600 नंबर पे जो है हम पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, हिंदी में थोड़ी सी गलती है, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स, अगर परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स पूछा है तो बहुत आसान है, 25% हमारा उत्तर है, हम 25% दे देंगे। अगर हमसे मानो यहाँ पर नंबर पूछता है तो हम नंबर बताएंगे, हमसे दो सवाल पूछे गए हैं, हम दोनों बता सकते हैं। जैसे इस सवाल में बोला है परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 25% पासिंग मार्क्स होगा, लेकिन अगर हमसे पासिंग मार्क्स पूछ दे, नंबर पूछ दे, तो इसको भी नंबर में बदल के सवाल को किया जा सकता है। जैसे अगला सवाल आ जाइए, आपसे दोनों बातें पूछी गई हैं जो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं। सवाल में आपसे पासिंग मार्क्स भी पूछा गया और आपसे टोटल मार्क्स भी पूछा गया है। दोनों सवालों को देखिए, एक व्यक्ति 45% अंक लेकर आता है और 24 नंबरों से फेल हो जाता है, दूसरा 55% अंक लेकर आता है और 36 नंबरों से फेल हो जाता है। पास करने के लिए कितने अंक चाहिए, टोटल नंबर कितने चाहिए, दोनों बताओ। आप लोगों को एक दिल की बात बताऊं मैं, देखो पता है क्या होता है, जब गणित समझ में आना शुरू हो जाता है ना, जब मैथ्स अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाता है, तो आपकी रुचि ऑटोमेटिक मैथ्स में आनी शुरू हो जाती है। जहां पर आपको 50 सवाल लगाने होते हैं, वहां पर आपकी उंगलियां 100 सवाल लगा देती हैं। जहां पर आपकी सिटिंग 1 घंटे की होती है, वहां पर आप 2 घंटे बैठ जाते हो। और फिर उसके बाद क्या होता है कि आप थोड़े-थोड़े अपने लेवल को खुद बढ़ाना शुरू करते हैं और टफ क्वेश्चन से भी आपको प्यार होना शुरू हो जाता है। लेकिन वहीं अगर मान लीजिए कि मैथ्स समझ में नहीं आया और जहर के चक्कर में शुरू में रह गए, तो पूरा का पूरा जो शरीर है वो भी जहरीला जहरीला ही हो जाता है। ना बेसिक ही सवाल समझ में आएगा और ना टफ क्वेश्चन ही समझ में आएगा। आप मुझे बोलेंगे कैट लेवल पढ़ाने का, हम कैट लेवल पढ़ा देंगे। आप मुझे बोलेंगे एमटीएस लेवल पढ़ाने का, हम वो पढ़ा देंगे। बट महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण हमारे लिए वो बात है कि हमें समझ में किससे आ रहा है। ये फाउंडेशन बैच को इस तरीके से रखा गया है कि आपको एकदम जीरो लेवल से उठा के थोड़ा ऊपर लेवल तक लेकर जाएं, ताकि आप हर तरह के सवालों को कायदे से समझ पाएं। अब ये सवाल को देखेंगे तो 45% लाकर भी 24 नंबर से फेल होता है। आपको जितनी चीजें करा रहा हूं उसको अच्छे से करते जाओ, सभी चीजें समझ जाओगे। कितने नंबर से फेल हो गया, 24 से, यानी इसमें अगर 24 नंबर आता तो वो लड़का पास हो जाता, होता कि नहीं होता, बोलोगे हाँ सर, ये 24 क्या है, ये 24%, ये 24 नंबर है। फिर बोला गया है कि जब वह 55% लाता है, तो 55% के साथ कहानी क्या होती है, उसको 36 अंक अधिक मिलते हैं, 36 मार्क्स अधिक मिलते हैं। आप बोलेंगे सर 55 और 45 का अंतर कितना हो गया, तो 10%। 36 और 24 को जोड़ तो कितना हो गया यहाँ पर, 60 मार्क्स। 10% कितने के बराबर है, तो 10% हमारा 60 नंबर के बराबर है। आप कह सकते हो, बोलो 10% कितने के बराबर है, 10% 60 नंबर के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर होगा, 1% हमारा 6 नंबर के बराबर होगा। बात करते हैं यहां पर पासिंग मार्क्स की, पीएम की बात करते हैं। सवाल में बोला है पास होने के लिए नंबर कितना चाहिए। आप सभी को एक बात सिखाया ना हमने, कि अगर नंबर पूछेगा तो नंबर बताएंगे, परसेंटेज पूछेगा तो परसेंटेज बताएंगे। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 45% चाहिए और 24 नंबर चाहिए। 1% का मान 6 नंबर, तो 45% को इससे गुना करो, 6 चौके 24, 6 पचे 30, यानी 270 नंबर और साथ में 24 नंबर और, यानी पास होने के लिए 294 नंबरों की आवश्यकता है। ठीक है, पास होने के लिए कितने नंबर्स की आवश्यकता है, 294। और बोला गया है टोटल नंबर हैं कितने, कितने नंबर का पेपर है। आप मुझे बताओ, अगर हम बात करें टोटल मार्क्स की, तो 10% का वैल्यू कितना है, 60 नंबर। और जो टोटल मार्क्स होता है, जो टोटल पेपर होता है, वो होता है 100% का। अगर 10% का मान 60 है, तो इसको दोनों साइड 10 और 10 से गुना करेंगे तो ये 100% बन जाएगा, और 60 को 100 से गुना करोगे 10 से, तो ये बन जाएगा 600, यानी 294 और 600 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, C4 कहो ना प्यार है। समझ में आ गया मेरी बात को, आप सभी अच्छे तरीके से समझ पाए सवाल में क्या कह रहा था। ठीक है, पासिंग मार्क्स पूछेगा तो बता दिया, परसेंटेज पूछेगा, 10% का मान हमारा 6 नंबर है, आप ऐसे समझ लो, 1% का मान 6 नंबर, 1% का मान 6 नंबर, तो 100% का मान हो गया 600, यही हमारा आंसर हो गया।
ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अब कुछ सवाल आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगे जहां पर आपका कुछ पैसा कहीं चला जाएगा, कुछ पैसे कहीं आ जाएंगे, कहीं पर बचे हुए का कुछ पार्ट आप खर्च कर देंगे। और ऐसे भी बेहतरीन बेहतरीन सवाल आपको देखने को पेपर में मिल सकते हैं, जिनको हम कहते हैं सीरीज मेथड। ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। आप लोगों के लिए इतनी शानदार तरीके से कंटेंट बनाकर यूट्यूब पर मैं करवा रहा हूँ, तो मेरा जो है मोटिवेशन एक ऊपर लेवल तक आप ले जाते रहें। वीडियो को सब्सक्राइब भी करते रहें, शेयर भी करते रहें, लाइक और सब्सक्राइब तो आपका बनता ही बनता है। ठीक है, तो सवाल को देखिए, सीमा जी हैं भाई साहब। ठीक है, बिल्कुल, सीमा जी की थोड़ी कहानी समझते हैं। तो सीमा जी जो हैं अपनी कुल आय का 5% यात्रा में खर्च कर देती हैं, ठीक, और बाकी का 20% भोजन में खर्च कर देती हैं। फिर वह 120 रुपये दान भी कर देती हैं और वह अभी भी 1400 रुपये के साथ में बची हुई हैं। उनकी आय ज्ञात कीजिए। सीमा जी जो हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमारी बन चुकी हैं कल के दिन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के बाद उनकी नौकरी लगी तो उन्होंने सोचा था कि चलो भगवान जी से जो है हमने दुआ मांगी थी कि एक बार भोलेनाथ जी अगर हमारा पेपर क्लियर हो जाए तो पक्का जो है वो केदारनाथ आएंगे और पक्का दर्शन करेंगे आपके और पक्का कुछ ना कुछ चढ़ावा जरूर चढ़ाएंगे। तो भैया सीमा जी ने ऐसे ही किया, नौकरी लगी और पहुंच गई केदारनाथ। 5% जो है उन्होंने किराए में खर्चा कर दिया अपने इनकम का, ठीक, और उसके बाद 20% जो पैसा उनके पास बच गया, ये वर्ड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5% एंड 20% ऑफ द रेस्ट, ठीक है, बचे हुए का और बाकी का 20%, बाकी का 20% जो है वो खाने में खर्चा कर देती हैं। भैया केदारनाथ जाएंगी तो वहाँ भूखे नहीं ना रहेंगी, कुछ ना कुछ तो खाना पीना में देंगी, तो खाने में उन्होंने 20% खर्चा कर दिया और अभी भी उनके पास 120 रुपये बचे हुए। और फिर उसके बाद मंदिर में जब दान पेटी में गई तो पुजारी एकदम ऐसे आ गया, माथा पे तिलक लगा दिया और बोला बेटा लाओ 101 रुपये। इन्होंने खुश होकर 120 रुपये उनको दे दिए। अब 120 रुपये देने के बाद भी कितना बचा है, 1400 रुपये। तो आपसे ये पहेली पूछा जा रहा है कि बताओ सीमा जी की आय जो है वो कितना है। अब देखो, जब भी ऐसा सवाल हो तो एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछता हूं। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मैंने 10% जो है खाने में खर्चा किया, 10% किराया में खर्चा किया और 10% अपने रूम का रेंट दिया, तो इस हिसाब से मैंने 10, 10 और 10 यानी मैंने 30% खर्च कर दिए। लेकिन अगर आपका एग्जामिनर ऐसा बोले कि आपने पैसा खर्चा कर दिया 10%, अब जो बच गया फिर उसका किया 10%, फिर जो बच गया फिर उसका किया 10%, तो यकीन मानिए इस कंसेप्ट पर सीजीएल मेंस और कैट लेवल के क्वेश्चन के भी सवाल पूछे जाते हैं। और कैसे पूछे जाते हैं, तो गैम्बलिंग हो गया वहां पर भी सवाल पूछा जाता है कि आप पहली बाजी में 50% पैसा या पहली बाजी में आप जो है पैसा जो है आपका दोगुना हो जाता है, फिर आप पैसा एक दूसरी बाजी खेलते हैं, पैसा उसमें हार जाते हैं तो आपका पैसा आधा हो जाता है, फिर पैसा जीतते हैं दो, ऐसे कर करके, तो 4 बाजियों के बाद या 4 सट्टों के बाद आपके पास कितना पैसा बचा है, इस तरह से सवाल पूछेगा। या आपसे ऐसे पूछेगा कि पहले जो है आपने 20% कहीं पर अपने बेटी को दे दिया, फिर बचे हुए का 10% अपने बेटे को दे दिया, फिर बचे हुए का 50% अपने प्रिय पत्नी को दे दिया, अर्धांगिनी को दे दिया, आज आपके पास इतने रुपए की संपत्ति बची है, तो बताइए आपके पास कितने रुपए थे। इस तरीके से करते करते इस तरह के 100 सवाल आपसे बनाए जा सकते हैं। आपको हर तरीके में एक ही बात का ध्यान रखना है और वो है आपको सीरीज का मेथड। सीरीज मेथड जिस स्टूडेंट को ध्यान ऐसे सवालों में, वो बड़े आसानी से बना लेगा। और हर बात को बड़े कायदे से समझना है। जैसे मान लो हम मानते हैं कि सीमा जी का इनकम कितना था, तो एक्स था, एक्स था कि नहीं, 5% उन्होंने अपनी इनकम का खर्चा कर दिया ट्रेवलिंग में। 5% यानी जो भी यहां दिया जाएगा आपको क्या करना है, उसका बट्टा लिखना है। तो 5% का बट्टा हो गया 1/20, यानी आपका एग्जामिनर आपसे ये कहना चाहता है कि अगर सीमा के पास 20 रुपए थे तो उसमें उसने 1 रुपए खर्च कर दिए, तो अब उसके पास कितने बचेंगे, जो बचेगा वो होगा 19/20। कितना बचेगा, 19/20 बचेगा। बोलोगे सर आपने बचे हुए ही क्यों वैल्यू ली है, क्योंकि मेरे भाई सवाल में बोला है 20% ऑफ द रेस्ट, ठीक है, बचे हुए का 20%। तो जब हमसे वो बोल रहा है बचे हुए लेना है, तो 20 में एक खर्चा कर दिया तो बचा कितना, बचा 19/20, तो हम बचा हुआ मान लेंगे। अगर हमसे बोलेगा बचा हुआ मान लो, तो हम बचा हुआ मान लेंगे। समझ में आ गया, पहला 5% का कहानी क्लियर हो गया। फिर बोलता है कि 20% ऑफ द रेस्ट, बचे हुए का 20% खाने पे। 20% का बट्टा कितना होता है जनाब, तो 20% का बट्टा होता है 1/5।
पांच में उन्होंने एक खर्चा कर दिया तो बचा कितना, तो बचा चार, चार बटे पांच बच गया। इतना रुपए था, कुछ दे दिए तो फिर इतना बचा, फिर इसमें से फिर इतना बचा, और फिर उसके बाद उन्होंने कितना दान पुण्य कर दिया, तो इसमें से उन्होंने 120 रुपए की जो है दान पुण्य कर दिए। अब इतने में से 120 को घटाने के बाद जो उनके पास बचेगा वो कितना बचेगा, 1400 रुपए बचेगा। हमसे बोला गया इस एक्स का मान बताओ, यहाँ पर बता पाएंगे मेरे भाई। अगर सीरीज मेथड आपको आता है तो आप सवालों को सेकंडों में बना पाओगे। देखो कैसे आप ऐसे भी कर सकते हो सीरीज मेथड के सवालों में कि आपका एग्जामिनर जो भी बोलेगा उसको 100 में से घटा दो। 5% बोला तो 100 में से 5 घटाओ 95%, और 95 का बट्टा होता है 19/20। 20% बोला 100 में से 20 घटा दो, तो 100 में से 20 घटा दो 80%, 80 का मान होता है 4/5। फिर उसमें से 120 डोनेट कर दिया, बचा कितना 1400। ये 120 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 19 × 4 कितना हो जाएगा, तो 76x हो जाएगा, और नीचे 20 × 5 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 120 उधर गया तो कितना हो जाएगा, 1520 हो जाएगा। 76 से काटोगे तो कितनी बार में, 20 बार में ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो x का मान 20 × 2 यानी 2000 रुपये की जो सीमा जी की क्या थी, तनख्वाह थी, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 2000। सवाल में एक एक बात को पूछा जाए, कल के दिन अगर मानो आपसे पूछा जाए कि उन्होंने यात्रा पर कितना खर्चा किया, तो 2000 का 5%। ठीक है, इस सवाल को एक थोड़ा और बढ़िया तरीके से आपको समझाते हैं तो आपको हर बात समझ में आएगा। एक एक चीज़ों को आप थोड़ा तोड़िए। अब मान लीजिए मेरे पास डेटा आ गया है 2000, तो अब मैं डेटा के बाद इस सवाल को सॉल्व करूँ तो क्या होगा। मैं ऐसे मान रहा हूँ कि मान लो सीमा के पास कितने रुपये थे, 2000 रुपये थे, और 2000 का 5% उसने ट्रैवलिंग में खर्चा कर दिया, तो 2000 का 10% कितना होता है, 200। 5% हो जाएगा हमारा 100 रुपये, यानी 100 रुपये सीमा ने किस में दे दिया, तो 100 रुपये सीमा ने ट्रैवलिंग में दे दिया। अब 2000 में से 100 रुपये दे दिए तो सीमा के पास कितना बचा, 1900 रुपये बचा कि नहीं बचा, तो बोलोगे हाँ सर। अब 1900 का वो 20% किस में खर्चा करती है, खाने में, तो बोलोगे सर 1900 का 20% कितना होता है, तो 380 रुपये, और ये 380 रुपये किस में चला जाएगा, तो फूड में चला जाएगा। 19 में से 3 गया 16, ठीक है, 1520 रुपये अब उसके पास बचेंगे। 1520 रुपये में से 120 रुपया वो लड़की क्या कर देती है, दान पुण्य कर देती है, डोनेट कर देती है। 1520 में से इसको घटा दो तो बचा कितना, 1400 रुपये, और यही बोला गया है कि बाद में कितना बच रहा है, 1400। तो इस तरीके से आप अपने दिए गए सवाल को वेरीफाई करके समझ भी सकते हैं। अब आपको पता चल रहा होगा कि क्यों हम रिमेनिंग वर्ड के इस्तेमाल को कर रहे थे, तो क्यों हम 1/20 ना लेकर 19/20 ले रहे थे, क्यों, क्योंकि 20000 में से इतना घटा के 1900 लेना था, 1900 में से 380 घटा के 1520 लेना था, और इसमें से 120 घटा के 1400 लेना था। इसी वजह से इसका 19/20 ले रहे थे, इसका 4/5 ले रहे थे, फिर उसमें से घटा रहे थे, और वो 1400 बराबर आ रहा था। समझ में आ रहा है बातों को, कंसेप्ट क्लियर रखो अपने, ताकि सवाल किसी भी तरह का आए तो कहीं पर कोई परेशानी ना हो। समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक करते रहेंगे, बिल्कुल। अब अगला सवाल देखिए, जैसे अगला सवाल एकदम लंबा सवाल है बट कोई फर्क नहीं पड़ता। अरिंदम 23% अपनी इनकम का इंश्योरेंस पे खर्चा करता है, 33% खाने पे खर्चा करता है, 19% अपने बच्चों की पढ़ाई में करता है, 16% इंटरटेनमेंट में खर्चा करता है, और बाकी बचे हुए पैसे को बैंक में जमा कर देता है। टोटल अमाउंट जो है उसने कितना खर्चा किया है, किस पे, खाने पे और साथ में इंश्योरेंस पे। अब ये सवाल देखो इतना आसान है, मतलब इसमें कहीं पर भी रिमेनिंग वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया। देखो आपके परीक्षा में दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं। एक तो यहाँ पर ये हर जगह पर रिमेनिंग वर्ड का इस्तेमाल होता है, 20% of the rest, 20% of the rest, और एक जगह ऐसा होता है जहाँ पर कोई भी रिमेनिंग वर्ड का इस्तेमाल होता नहीं, जहाँ पर सिंपल सिंपल आप जोड़ सकते हैं। जैसे मान लो हमने आपको कहा कि 10% हमने खाने पे किया, 10% हमने पीने पे किया, 10% हमने किराए पे किया, मतलब 30% कर दिया, सिंपल सा बात है। उसी तरीके से यहां पर बोला है कि ये 23% जो है वो किस पे, इंश्योरेंस पे, 33% खाने पे, और 19% बच्चों की पढ़ाई पे, 16% एजुकेशन पे। तो आप जरा जोड़ो तो 33 हो गया, और 33 में फिर जोड़ो तो हमारा 23 हो गया, फिर 33 हो गया, फिर उसके बाद हमारा हो गया 19, और फिर उसके बाद हो गया हमारा 16। सबको जोड़ेंगे तो 9, 6, 15, 15, 3, 18, 18, 3, 21,
3, 2, 5, 1, 6, 1, 7, 7 और 2, 9। 91% तो पैसा वो खर्चा कर चुका है, 91% खर्चा कर चुका है, तो ये जो बचा हुआ पैसा उसके बैंक में है ये कितने परसेंट का मान है, तो ये वो 9% का मान है। यानी यहाँ पर जो 504 रुपये है ये कितने परसेंट का मान है, तो 9% का। बोला गया है कितना पैसा उसने इंश्योरेंस में और यहाँ पर खाने में खर्चा किया है, तो यहाँ पर खाने में कितना किया है, सॉरी इंश्योरेंस में 23 किया है और खाने में 33 किया है। 23 और 33 कितने हो गए, तो 56% हो गए। यानी 9% का मान दिया है और 56% का मान हमसे सवाल में पूछा है। फिर से समझ लीजिए, उसने 91% पैसे को अपने खर्च कर दिए हैं, उसके पास जितनी भी संपत्ति थी उसका 91% खर्चा हो चुका है, तो जो भी बचा है वो 9% की वैल्यू है, यानी 504 9% का है। तो आपसे पूछा है बताओ यहाँ पर इंश्योरेंस में और खाने में कितना किया, तो इंश्योरेंस में 23 किया था और खाने में कितना किया था, 33। 30 और 20 50 50 और 3 56 56%, 9% का मान दिया है, 56 का पूछा है, बता नहीं दोगे? एकदम सिंपल सवाल है, 9 से काटो, 9 से 5 बार में 45, ठीक है, और फिर 54 9 6 54, 56 का स्क्वायर आएगा। अब 56 का स्क्वायर देखो, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है जो 50 से बड़ा है, हमें किसका स्क्वायर निकालना है, 56 का। आप लोगों को बता रखा है मैंने ये 50 से कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे सर 50 से 6 ज़्यादा है, तो 25 में उस 6 को जोड़ दो, यानी 25 में 6 जोड़ोगे तो 31 आएगा, और जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर, 6 ज़्यादा है तो 6 का स्क्वायर 36। उदाहरण के तौर पे जैसे समझो, यहाँ पर बीच बीच में अपन कैलकुलेशन भी सीखेंगे, अपन को 51 का स्क्वायर निकालना है, 51 25 से कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे सर 25 से 1 ज़्यादा है, तो 25 में उस 1 को जोड़ दो, यानी जोड़ दो 26 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर के लिए 2 अंक लिखेंगे 51। जैसे मानो 54 का स्क्वायर निकालना है, ये 25 से कितना ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा है, 4, तो 25 में उस 4 को जोड़ दो, 25 में 4 को जोड़ोगे 29, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें 56 × 56 करना है, ये 50 से 6 ज़्यादा है, 25 में 6 को जोड़ दो तो हो जाएगा 31 और 6 का स्क्वायर 36, 3 1 3 6, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात को, चलिए बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही शानदार तरीके से आप लोग समझते रहिए। अब देखिए कुछ इस तरीके के भी सवाल आते हैं आपके परीक्षा में, और सवाल में क्या दिया गया होता है, बोला गया होता है मोहन का खर्चा और मोहन का सेविंग का अनुपात ये है, अगर हम उसकी सैलरी को बढ़ा दें 25% से और सेविंग को बढ़ा दें 15% से, तो एक्सपेंडिचर में कितना अंक होगा। अब देखो मेरे भाई, ये सवाल को बोलोगे ना तो बेसिक से बता दूंगा मैं, और ये सवाल को तो आप अपने कॉपी में 5 स्टार लगा लीजिए इसे पूरा का पूरा। अब बोलेंगे सर आप 5 स्टार क्यों लगवा रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूं, ये सवाल आपके इस बार के सीजीएल के सिर्फ प्री प्री में कम से कम 13 बार पूछा गया है, सीएचएसएल के पेपर में कम से कम ये 15 बार पूछा गया है अलग अलग शिफ्टों में, और मेंस में तो अनगिनत बार ये पूछा गया है इस तरह का सवाल। ठीक है, अब इस तरह के सवाल को जब इतनी बार आपके परीक्षा में पूछा जाएगा तो हम बेसिक से तो बनाएंगे नहीं, हम एक ऐसा मेथड ढूंढेंगे जिससे हम इसको काफ़ी कम समय में बना सकें और ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके। तो भाई ये बउआ वाला मेथड 100 मानकर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ और ना ही आपको उसकी आदत लगाऊंगा। ऐसे सवालों को हम सीधा करेंगे तो किससे करेंगे, एलिगेशन के मेथड से। फिर से मेरी बातों को समझिएगा, कौन से मेथड से करेंगे, तो एलिगेशन मेथड से। अब बहुत बच्चे यहाँ पर रोना बिलखना शुरू कर देंगे, हाथ पैर पीटना शुरू कर देंगे, सर हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, हम एलिगेशन कैसे लगाएं, हमको तो एलिगेशन आई बे नहीं करता है, नामों सर पहली बार सुन रहे हैं। तो हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आपको इस सवाल को लगाने के लिए पूरा एलिगेशन का पढ़ना जरूरी है, छोटी छोटी बातें बताएंगे, अगर उतना समझ लिए तो एगो जो बोलते हैं ना 10वीं का बच्चा 12वीं का बच्चा 6ठी का बच्चा भी अगर वो समझ ले कि हम क्या बता रहे हैं तो वो भी इस सवाल को लपेट देगा, समझ रहे हो। ठीक है, बस एलिगेशन इतना बड़ा टॉपिक है, उसका एक छोटा सा कंसेप्ट उठाना है और इस तरह के सवालों में लगाना है। अब कैसे लिखेंगे क्या क्या होगा, तो अगर अगली 2 मिनट आप मेरी बातों को सुन लेंगे तो आप ऐसे सवालों को समझ लेंगे और बना पाएंगे सेकंडों में, तो बस मेरी बातों को सुनिएगा। देखो एलिगेशन में क्या होता है, एलिगेशन आप ऐसे समझ लो कि 2 चीज़ों से मिलकर बना है। जैसे मान लो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसमें उसके माँ बाप और माँ का भी योगदान है, उसके पिता का भी योगदान है, तो बस एलिगेशन जो है वो बराबर है एक बच्चे के, जहाँ पर यहाँ आप उसको रखते हैं उसकी मम्मी जी को और यहाँ पर आप उसको रखते हैं पप्पा जी को।
ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ बेचारा बीच में कौन रहता है, तो बच्चा रहता है जिसमें माँ और पिता दोनों के खून का अंश होता है, दोनों की जो भावनाएं होती हैं, दोनों का रंग स्वरूप सब कुछ होता है। सेम तरीके से एलिगेशन आता है यहाँ पे। एलिगेशन के एक टॉपिक को, एक पॉइंट को यहाँ रखा जाता है, दूसरे को यहाँ रखा जाता है, और जो दोनों से मिलकर बना है उसको बीच में रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए हम किसी क्लासरूम की बात करते हैं, एक क्लासरूम में लड़का भी है, एक क्लासरूम में लड़की भी है, ठीक है, तो यहाँ पर लड़के का औसत रखेंगे, यहाँ लड़कियों का औसत रखेंगे, और यहाँ पूरे कक्षा का औसत रखेंगे, तो हमें उनका अनुपात मिलेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? उसी तरीके से यहाँ पर भाई पर्टिकुलर इस तरह के सवाल में एलिगेशन कैसे लगाएं, तो वो सीखे यहाँ पर। माँ पप्पा और बच्चा वाला कंसेप्ट, तो आप बोलेंगे सर देखो जो हम कमाते हैं वो पैसे को दो ही चीजों में हम जो है लगाते हैं, या तो उस पैसे को हम खर्चा करते हैं और या फिर उस पैसे को बचाते हैं। यानी हमारा खर्च जो है वो हमारा क्या हो गया, माँ हो गई, ठीक है, और जो हमारा सेविंग हो गया, आप उल्टा समझ लो कि पिताजी खर्च करने में बहुत ज़्यादा माहिर रहते हैं तो ये हमारे हो गए पप्पा, और ये सेविंग जो है ये हमारी माता जी करती हैं तो ये हमारी माँ हो गई, और दोनों से मिलकर कौन बना है, तो दोनों से मिलकर हमारा बना है बच्चा, ठीक है। अब बेचारे को रखे तो कहाँ पर रखे और कैसे रखे वो समझिए। तो आप बोलेंगे कि सर देखो यहाँ पर आप खर्च को रखिए, यहाँ पर आप सेविंग को रखिए, और यहाँ पर क्या रखिए, इनकम को रखिए, ठीक। सवाल में बोलेगा किसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि है। अगर कल के दिन मैं बोल दूं मैंने अपने खर्च को 10% बढ़ा दिया, एक्सपेंडिचर को 10% बढ़ा दिया, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 10%। अगर मैंने कह दिया अपने एक्सपेंडिचर को 15% बढ़ा दिया, तो वैल्यू आ जाएगी 15%। अगर मैंने कल के दिन कह दिया मैंने अपने एक्सपेंडिचर को 5% कम कर दिया, तो -5%। मतलब यहाँ पर आपको बोलना है कि सर परसेंटेज का या तो इंक्रीज आएगा नहीं तो डिक्रीज आएगा, यहाँ सेविंग का बढ़त आएगा नहीं तो कमी आएगा, इनकम की बढ़त आएगी नहीं तो कमी आएगी, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज हमें यहाँ पर लिखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और वो कहाँ से लिखना है, एकदम सवाल चीख चीख कर बोलेगा ये लो मैं वैल्यू हूँ और मुझे उठा के यहाँ पर रखो, ठीक। अब जब आप इन वैल्यू को रख देंगे तो लाइन खींचने के बाद नीचे भी दो मान मिलेंगे, तो बोलोगे हाँ सर। अब नीचे मान वही मिलता है जो ऊपर होता है, यहाँ पर ई है तो यहाँ पर भी ई मिलेगा, और यहाँ एस है तो यहाँ पर भी एस मिलेगा, और इनका अनुपात मिलेगा। इनका क्या मिलेगा मेरे भाई, इनका अनुपात मिलेगा और कुछ नहीं, यहाँ पर ई होगा और यहाँ पर एस। आप बोलोगे सर क्यों आप इस मेथड को इतना जोर दे रहे हो, क्यों इतना एक्सप्लेन कर रहे हो, तो जितने बच्चे होते हैं जो कमेंट बॉक्स में जैसे बोलते हैं वेटेड एवरेज का कंसेप्ट लगा देंगे और फलाना लगा देंगे, चिलाना लगा देंगे, तो भाई मेरे कोई कंसेप्ट नहीं लगता, आगे चलकर मैं बताऊंगा सारे फेल हो जाएंगे। एसएससी ऐसे ऐसे जब डेटा आपको देती है ना सारा फेल हो जाता है। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर, यहाँ सेविंग, यहाँ इनकम, और अनुपात जो आएगा वो एक्सपेंडिचर और सेविंग का आएगा। बस आपका सवाल बन गया। आप इसको 5 डेटा में से आपको कोई भी 4 डेटा दिया जाएगा और आपका 1 डेटा जो होगा वो क्या होगा, मिसिंग होगा। तो मिसिंग डेटा को कैसे फाइंड करेंगे, जैसे इस सवाल में देखिए एक एक बातों को समझिए। सवाल में आपको बोला गया है कि खर्चे का और बचत का जो अनुपात है वो कितना है, 5:1। तो खर्चे और बचत का अनुपात मिल गया तो यहाँ मिटा के कितना लिख देंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ मिटा कर हम लिखते हैं 5:1। जो मिलते जाएगा उसको लिखते जाओ सवाल पढ़ के। फिर बोला गया सैलरी को बढ़ाया गया है 25% से, सैलरी का मतलब इनकम, और इनकम में बढ़त कितने की है 25%, तो यानी आई वाले स्थान पर कौन आ जाएगा, तो आई वाले स्थान पर 25 आ जाएगा। बढ़ेगा तो प्लस में करेंगे, घटेगा तो माइनस में करेंगे। फिर उसके बाद सेविंग में कितना है 15, सेविंग के जगह पे कौन आएगा, तो सेविंग के जगह पर 15 आ जाएगा, तो यहाँ सेविंग के स्थान पे क्या कर दोगे, 15 कर दोगे। अब मैंने कहा था ना कि 5 में से कोई 4 मान दे देगा, देखो 1, 2, 3, 4, और आपसे 5वां मान पूछेगा और बोला है बताओ एक्सपेंडिचर में कितने का इंक्रीज हुआ, तो ये जो एक्सपेंडिचर है ये आपसे पूछेगा। देखो अब एलिगेशन के रूप में इसको एकदम सजा दिया ना, जैसे एकदम दुल्हन जो है 16 सिंगार करती है, वैसे इसको भी सिंगारित रूप में कर दिया, एक्सपेंडिचर, सेविंग, इनकम, ये वो फलाना ठिकाना। अब कर तो दिया यहाँ पे सवाल को हर तरीके से, लेकिन अब इसको बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे, क्या फॉर्मूला लगेगा, ये स्ट्रक्चर आ गया तो क्या होगा, कैसे होगा। तो देखो आप ऐसे समझो, एलिगेशन में क्या होता है कि यहाँ पर ये माइनस करता है, ये वाली जो वैल्यू होती है इन दोनों के बीच की वैल्यू होती है, ठीक है, ये संख्या एक से बड़ा होता है और दूसरे से छोटा होता है, तो बड़ा होता है जिससे उसको घटाता है और जिससे छोटा होता है उससे घटता है, ठीक। अब ये बीच वाले की वैल्यू जो होती है ये 25, ये 25 किसके बराबर होता है, तो ये 25 बराबर होता है ई इंटू 5, इन दोनों के गुना के, तो बोलोगे सर ई इंटू कितना के, 5 के, फिर जोड़ोगे, फिर इन दोनों का गुना करोगे यानी 15 इंटू 1 गुना करोगे
और भाग करोगे 5 जमा 1 यानी कितने से, 6 से। फिर से मेरी बात को समझो, बीच वाले का जो मान है बराबर है e इंटू 5, 15 इंटू 1, 5 जमा 1 6, 25 का 6 गुना 150, 150 में से 15 गया तो कितना आ जाएगा 135, और 135 को जब आप 5 के साथ भाग करेंगे तो लीजिए आपकी e की वैल्यू क्या हो गई, आ गई कितना आ गया, 5 से 2 बार में, 5 से 7 बार में e का मान जो है 27% आएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे सवालों को बना सकते हैं आप। अब देखिए सवाल को बड़ा बढ़िया तरीके से समझिए, यहाँ एक्सपेंडिचर है, यहाँ सेविंग है, यहाँ इनकम है, यहाँ पर हमारा जो है क्या है वैल्यू हमारी, यहाँ पर ये हमारी रेशियो हो गई। ठीक, और रेशियो होने के बाद हम आराम से बीच में सॉल्व कर पाएंगे। अब ट्रिक की बात करोगे तो बहुत ट्रिक बनते हैं। ट्रिक कैसे बनते हैं, 25 में से 15 घटाया तो 10 आना चाहिए, 5 का मान अगर 10 दिया गया है तो 1 का मान 2 होगा, तो 25 में 2 जोड़ दो 27। लेकिन मेरा मानना है कि क्या आपको भी उतना आता है, क्या आपने अपनी एलिगेशन उतना पढ़ा है, नहीं पढ़ा ना तो उतना मत सोचिए, आप सिंपल इतना फोकस करिए कि हमको सजाना है और उस तरीके से करना है। इसके डीपर कंसेप्ट के लिए, डीपर नॉलेज के लिए मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ताकि आप सवालों को और डेप्थ में समझ पाएंगे। जैसे बोला गया है एक व्यक्ति 75% अपने इनकम का खर्चा करता है, इनकम में बढ़त कितने की है 20%, इनकम व ससुरा कहाँ पर आता है तो बीच में आता है, तो इनकम व को कहाँ लिखो, बीच में, जो बढ़त है वो बढ़त है, जो कमी है वो कमी है। फिर बोला गया है खर्चे में बढ़त, खर्चा कहाँ पर आता है तो खर्चा यहाँ पर आता है, खर्चा को यहाँ पर लिखते हैं, ये खर्चा होता है, देखो स्ट्रक्चर याद है, खर्चा सेविंग इनकम। ठीक, तो यहाँ पर हो गया खर्चा, यहाँ पर हो गया सेविंग और यहाँ पर हो गया इनकम, ये बढ़त के बारे में बताते हैं, तो बढ़त वाले मान यहाँ पर लिखने हैं। और फिर उसके बाद नीचे क्या होता है, तो नीचे जो है वो आपका एक्सपेंडिचर यानी खर्चे और सेविंग का अनुपात होता है। अब सवाल में आपको बोला गया है कि एक व्यक्ति 75% क्या करता है, खर्चा करता है, ये शब्द बताएगा आपको यहाँ पर कि वो अनुपात जो था वो अनुपात क्या था। बहुत बच्चे इस 75% को यहाँ चिपका देते हैं, ऐसी गलती मत करिए, ये अनुपात बराबर है, यानी कोई व्यक्ति अगर मानो किसी व्यक्ति की इनकम 100 रुपए है तो वो खर्चा 75 करेगा तो बचाएगा कितना, तो बचाएगा 25, यहाँ पर अनुपात आ गया। कोई 75% खर्चा करेगा तो बचाएगा कितना, 25, इसको काटो तो ये किस रेशियो में है, तो बोलोगे सर ये किस अनुपात में है, तो 3:1 में है। अभी बताया था कि बीच वाले का मान कितना बराबर होता है, तो जो ये 20 होता है ये बराबर होता है 3:10 यानी 30 के, प्लस s into 1 यानी s के, ठीक है, और प्लस 3:1 कितने के, 3+1 कितने के, 4 के, 20 into 4 80, 80 में से 30 गया तो s का मान कितना आ गया, 50% हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। एकदम सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से, ना ज़्यादा गुना है ना ज़्यादा भाग है, सरल तरीके से हम बना पाए। यहाँ पर एक्सपेंडिचर रखा, यहाँ सेविंग नहीं दिया था तो एस मान लिया, इनकम को 20 रखा, और यहाँ पर उनके अनुपात को रखें। मैं बोलूँ मैंने 20% रुपया खर्चा कर दिया तो यहाँ 20 होगा तो सेविंग 80 होगा, मैं बोलूँ मैंने 70% खर्चा कर दिया तो 70 खर्चा किया 30 बचाया, 90% खर्चा कर दिया तो 90 खर्चा किया 10 बचाया, इस अनुपात में हम लिखते हैं। लव यू भाई, लव यू, लव यू, लव यू। अरे मजा आता है यार जब आप लोग के कंसेप्ट ऐसे क्लियर होते हैं ना, सच में बताऊं दिल को सुकून पहुंचता है। इसलिए तो बच्चे बोलते हैं कि सर 1.5 घंटे कब भी जाते हैं पता ही नहीं चलता। ठीक है, अब देखो सेम तरीके से बोला गया है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो है अनुपात है 3:1, इनकम को बढ़ा दिया 20% से, खर्चे को बढ़ा दिया 10% से, आप बताओ सेविंग को कितना बढ़ाओगे। तो मेरी भाई सेम तरीके से बोला गया है इनकम को कितना 20, तो इनकम को कहाँ लिखोगे, बीच में लिखोगे। खर्चे को कितना बढ़ाया है, खर्चे को बढ़ाया 10, तो यहाँ खर्चे को लिखोगे और सेविंग को यहाँ पर लिखोगे। और फिर इनका अनुपात कितना दिया गया है सवाल में, तो इनका अनुपात 3:1 दिया गया है। जो बीच वाले का मान है यानी 20 का मान है तो 10 × 3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, s × 1 कितना हो जाएगा, s हो जाएगा, 3+1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 20 × 4 80, 80 में से 30 गया तो कितना आ जाएगा, इसका भी उत्तर आएगा 50%। कितना आंसर होगा, 50% जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, सी। ठीक है, हाँ बिल्कुल यूपीएसआई के लिए कंप्लीट होगा, इस बात को ध्यान रखें। तो इसी तरीके से आज का जो ये मिसलेनियस वाला पोर्शन है वो होता है ख़त्म। कल हम लोग करने वाले हैं परसेंटेज का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस, शानदार, जानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद वाले पूरे सवाल कल होंगे, ताबड़तोड़ प्रैक्टिस होंगे, सारे कंसेप्ट पर आधारित होंगे। तो जिन्होंने अभी तक परसेंटेज की बाकी वीडियो नहीं देखी है वो देख ले, ये फाउंडेशन बैच कंप्लीट मैथ के लिए है और आपको पूरा फाउंडेशन एक बेसिक से डेवलपमेंट करेगा। तो कल हम थोड़े से बेसिक्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे और कल मुझे कमेंट बॉक्स में सभी से आंसर चाहिए, कल शाम 7 बजे सभी रेडी रहेंगे। साथ में आज जो है
है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर, जो कि हमारा प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, उस पर ये सभी कोर्सेज में ऑफ़र चल रहे हैं। ये सिर्फ आज के लिए ऑफ़ हैं, ठीक है। ऑफ़र सिर्फ 6 नवंबर रात 12 बजे यानी आज की रात 12 बजे तक के लिए हैं। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं कोई भी कोर्स लेने में, जैसे मानो आप मैथ स्पेशल लेना चाहते हो ऑल एग्ज़ाम्स के लिए, जिसकी फ़ीस 699 थी उसको 499 की गई, आप वो ले सकते हो। आप जो है सीजल मेंस का बैच लेना चाहते हो तो आप 399 में, मतलब बहुत ही कम फीस में आप इस बैच को ले सकते हो। आप कॉम्बो बैच लेना चाहते हो हम सभी तीनों टीचर्स का, मैथ प्लस इंग्लिश प्लस रीजनिंग, जिसकी फ़ीस 1699 थी, असल में ये फ़ीस 2500-3100 करीब में है, वो और ऑफ़र में आपको 1500 में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई बैचेज में एनरोल कर सकते हो। साथ में ये जो मैं जितने भी मैराथन आप लोगों को करा रहा हूँ, मैराथन मतलब क्लासेस, उन सभी की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। हमारे दो टेलीग्राम हैं, मैथ्स बाई आदित्य रंजन और रैंकर्स गुरुकुल, आपको दोनों टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके ज़रूर सारे सेशंस को रिवाइज करिएगा, पीछे के भी और ये वाले सेशंस भी। पीछे के सभी सेशंस के पीडीएफ आपको एकदम लाइन बाई day 1, day 2, day 3 के हिसाब से मिल जाएंगे, तो पढ़ना है। और वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।